फ्रांस काफ्का की तवील कहानी मेटामॉर्फोसिस, तर्जुमा अम्मार इकबाल। पहला बाब। एक सुबह ग्रेगर सामसा पर अपने तमाम तरद्दुद आमेज ख्वाबों से आंख खोलते खुला कि वो अपने बिस्तर में किसी मकोड़े का रूप धार चुका है। उसने अपनी ढालनुमा पुश्त पर लेटे अपना सर जरा ऊंचा करके अपने कत्थई कौसदार पेट को देखा, जो कड़ी कमानियों में तकसीम हुआ था और उसकी ऊंचाई से कंबल तकरीबन फिसल ही चुका था। उसकी मुतअद्दिद टांगें, जो बाकी हजम के मुकाबले में मायूसकुन हद तक पतली थीं, उसकी आंखों के सामने बेआसरा लरज रही थीं। मुझे हुआ क्या है, उसने सोचा, ये ख्वाब तो नहीं। उसका कमरा जो ऐन इंसानी कमरा था, मगर बस कुछ छोटा था, चार दीवारों के दरमियान खामोश पड़ा था। मेज के ऊपर जहाँ खुले कपड़ों के नमूने फैले हुए थे, सामसा सेल्समैन था जो इन्हें फरोख्त करता था। वही वो तस्वीर थी जो उसने ज़रा देर पहले एक रिसाले से निकाल कर सुनहरे फ्रेम में सजाई थी। वो एक औरत की तस्वीर थी जिसने पोस्तीन की गुलूबंद और टोपी पहन रखी थी। वो देखने वाले की तरफ अपना दस्त पोश उठाए सीधे बैठी थी, जिसमें उसका बाजू मुकम्मल छुप गया था। ग्रेगर की नज़रें अब खिड़की की तरफ गईं। बारिश की बूंदें दहाती ताक पर जल तरंग बजा रही थीं। इस मौसम की यासियत से वो मजीद अफसरदा हुआ। क्यों ना मैं ये सब हिमाकतें फरामोश करके कुछ देर मजीद सोता रहूं, उसने सोचा। मगर ये सोच हरगिज काबिले अमल ना थी, क्योंकि वो दाहिनी करवट पर सोने का आदी था और अपनी मौजूदा हालत में वो ऐसा करने से कासिर था। वो खुद को दाहिनी तरफ धकेलने की कोशिश करता और ढालनुमा पुश्त के सबब वापस उस ही हालत पर लुढ़क जाता। उसने कोई सैकड़ों बार ये कोशिश की अपनी आँखें मींच कर, ताकि उसकी नज़र अपनी पतली लहराती बेआसरा टांगों पर ना पड़े। फिर उसने अपने पहलू में उठने वाले दर्द को महसूस करते हुए ये सही लाहसिल तर की, ऐसा दर्द उसे पहले कभी ना उठा था, या इलाही, उसने सोचा। ये मैंने अपने लिए कैसा मेहनत तलब काम चुना है कि आए रोज़ बस सड़क पर तिजारत की बनिस्बत दफ्तरी कामों में ज़्यादा सहूलत है। मजीद ये कि इसमें मुझे सफ़र की सहूलतें, रेलगाड़ियों के निज़ाम, बुरी ग़िज़ा और हमेशा बदलते रहने वाले नापायदार इंसानी रवाबित झेलने पड़ते हैं, जो कभी दिल से नहीं बनाए जाते। जहन्नुम में जाए सब। इसे अपने पेट के ज़रा ऊपर हल्की सी ख़ारिश महसूस हो। उसने आहिस्तगी से ख़ुद को सराहने से नज़दीक किया, ताकि अपना सर आसानी के साथ उठा सके, और ख़ारिश वाली जगह तलाश की जो सफ़ेद दागों से भरी हुई थी। उसे मालूम नहीं था ये क्या है, और उसने एक टांग से उसे महसूस करना चाहा, मगर फ़ौरन ही वो टांग वापस खींच ली, जिसके छूते ही उसके सारे बदन में झनझनी फैल गई। वो दोबारा सरक कर अपनी पुरानी हालत में आ गया। ये सुबह सवेरे उठना, उसने सोचा, इस आदमी को अहमक बना देता है। आदमी को पहले अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। उसके जैसे दूसरे सेल्समैन हरम में मौजूद औरतों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मसलन अपने दिन के दौरान, जब मैं अहम अहकाम लिखने सराय को वापस लौटता हूँ, उस वक्त ये हजरात सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं। अगर मैं अपने मालिक के साथ ऐसा करूँ तो वो वहीं मुझे निकाल बाहर करे। फिर भी किसे खबर कि ये मेरे लिए बेहतर नहीं हो सकता। अगर मैं अपने वालदैन के लिए ना रुका होता तो कब का ये नौकरी छोड़ चुका होता। मैं अपने मैनेजर के पास जाता और उसे वो सब बता देता जो मेरे दिल में है, जिसे सुनकर वो अपनी मेज़ से गिर जाता। मेज़ के दूसरी तरफ बैठकर मुलाजमीन से बात करना कितना अजीब है, मैनेजर को ऊंचा सुनाई देता है। सो मुलाजमीन को अपनी बात सुनाने के लिए उसके बहुत नज़दीक होना पड़ता है। बहरहाल मैं ताहाल नाउमीद नहीं हूँ। एक बार मैं इतने पैसे जमा कर लूँ कि अपने वालदैन पर मैनेजर का कर्ज उतार सकूँ, जिसमें अभी 5-7 साल लगेंगे, तो ये नौकरी छोड़कर आगे बढ़ूँ। बहरहाल इस वक्त तो मुझे बिस्तर से उतरना था। मेरी रेलगाड़ी 5 बजे निकलती है। उसने अलार्म वाली घड़ी की तरफ देखा। या खुदा, उसने सोचा, 6:30 हो चुके हैं और घड़ी के कांटे दौड़े जाते हैं। क्या अलार्म का ना बजना मुमकिन है? यहाँ से साफ देखा जा सकता था कि 4 बजे का अलार्म लगा है, जो इस वक्त यकीनन बजा ही होगा। क्या इस शोर में सोते रह जाना मुमकिन है, जिससे कमरे की तमाम अशिया लरस जाती हों? हकीकत बहरहाल यही थी कि वो बेखबर सोता रहा। अगली गाड़ी को 7 बजे निकलना है और उसे पकड़ने को भी उसे जल्दी भागना होगा। मेज़ पर कपड़ों के नमूने यूं ही खुले पड़े थे और वो खुद भी चाको चौबंद महसूस नहीं कर रहा था। मजीद ये, अगर इसने ये गाड़ी पकड़ ली तब भी मैनेजर से होने वाली झड़प नागुजीज है, क्योंकि मैनेजर के नामावर ने उसे 5 बजे वाली गाड़ी में ना पाकर अब तक मैनेजर को उसकी गैर हाजिरी की खबर कर दी होगी। वो मैनेजर का चहीता था, जिसके पास ना रीढ़ की हड्डी थी ना दिमाग। कैसा हो अगर वो बीमारी की खबर दें?
मगर यह शर्मनाक और तश्वीशनाक होगा कि पिछले 5 साल में वो कभी बीमार न पड़ा था। मैनेजर डॉक्टर के साथ उसके घर आ जाएगा और वालदैन से उनके काहिल बेटे के बारे में पूछेगा और तमाम एतराज़ात पर डॉक्टर की राय रखेगा। इसके मुताबिक सब सेहतमंद लेकिन काहिल थे, और इसके अलावा भी डॉक्टर इस मामले में मुकम्मल गलत हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नींद और वनूदगी के सिवा तो वो ठीक ही है। वो ये सब बहुत तेज़ी से सोच रहा था और ताहाल बिस्तर से नहीं निकल पाया था। घड़ी ठीक 7:45 बजा रही थी कि दरवाजे पर एक मोहताज दस्तक हुई। ग्रेगर, ये वालदा की आवाज़ थी। 7:45 हो गए हैं, क्या तुम्हें जाना नहीं है? जवाबन वो अपनी आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा, जो बिलाशुबा उसकी पुरानी आवाज़ ही थी, मगर ये मदगम हो चुकी थी, जैसा कि अंदर से कोई बेकाबू दर्दनाक चरचराहट निकले जो अंदर अलग अलग अल्फाज को बाहर आते मस्क कर दे और किसी को कुछ समझ ना आए। ग्रेगर तफसील से जवाब देना चाहता था और सब बता देना चाहता था, मगर इन हालात में उसने खुद को, जी शुक्रिया वालदा, मैं बस उठ रहा हूँ, तक ही महदूद रखा। लकड़ी के दरवाजे के सबब ग्रेगर की आवाज़ में तब्दीली को बाहर इतना महसूस ना किया गया और इसकी वालदा मुतमईन होकर टल गई। मगर इस मुख्तसर गुफ्तगू से घर के दूसरे लोगों को इल्म हो गया कि आज खिलाफ मामूल ग्रेगर घर पर ही है। तब तक वालिद अपनी पहली ग्रेगर क्या हो रहा है के साथ दरवाजे पर दस्तक दे चुके थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने दोबारा पुकारा, इस बार उनकी आवाज़ मजीद गहरी थी। छोटी बहन ने बराबर वाले दरवाजे पर दस्तक दी और धीमी आवाज़ में पूछा, ग्रेगर क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? ग्रेगर ने दोनों तरफ जवाब दिया, मैं बस तैयार हो रहा हूँ। वो बहुत मशक्क़त से ठहर ठहर कर इस ख्याल के साथ बोला कि आवाज़ में कुछ भी गैर मामूली ना लगे। वालिद वापस नाश्ता करने पलट गए, मगर उसकी बहन ने सगोशी की, ग्रेगर खुदारा दरवाज़ा खोलो। ग्रेगर का दरवाज़ा खोलने का इरादा न था। उसने दौरान सफ़र पड़ने वाली एहतियातन तमाम दरवाजे बंद करके सोने की आदत पर खुद को दाद दी। पहले उसने खामोशी से बिना किसी खलल उठकर तैयार होना चाहा और सबसे पहले नाश्ता करना चाहा। इसके बाद ही बाकी सब कुछ इसे अंदाज़ा हो चुका था कि बिस्तर पर लेट कर सोचते रहने से वो किसी माकूल नतीजे पर नहीं पहुँच पाएगा। उसे याद आया कि उसे पहले ही हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था, शायद ऐसे पड़े रहने के सबब, मगर वो इसके उठते ही फ़कत खाम ख्याली साबित हुआ। अब वो अपने दीगर ख्यालात के यके बाद दीगरे खाम साबित होने का मुतमन्नी था, जैसे उसकी आवाज़ में दर आने वाली तब्दीली बस ठंडे मौसम के सबब थी और तजारती मुसाफिरों के लिए ये मामूल की बात है। कम्बल को एक तरफ फेंकना बहुत आसान काम था, उसे बस थोड़ा ऊपर उठना पड़ा और वो सरक गया, लेकिन ये जारी रखना मुश्किल था, खासकर उसकी गैर मामूली चौड़ाई के सबब। खुद को सीधा खड़ा करने के लिए उसे हाथ पैरों की ज़रूरत थी, जिनके पास बजाय उसके पास मुतअद्दिद पतली पतली टांगें थीं जो उसकी आंखों के सामने मुख्तलिफ सिमतों में लहरा रही थीं। मजीद ये कि मुकम्मल उसके काबू में भी नहीं थी, अगर वो इनमें से एक को समेटना चाहता तो वही मजीद फैल जाती, और अगर बमुश्किल वो उसे काबू कर भी लेता तो बाकी की सब आज़ादी के साथ अलग अलग सिमतों में अपनी मर्जी से लहराती। मगर मुझे बिस्तर में बेकार नहीं पड़े रहना चाहिए, ग्रेगर ने खुद से कहा। पहले उसने अपने बदन के निचले हिस्से को बिस्तर से उतारना चाहा, मगर इस निचले हिस्से ने, जिसे इत्तेफाक से अब तक उससे देखा भी नहीं गया था, हरकत में आना मुश्किल साबित किया। कोशिश आहिस्तगी से जुनून में बदल गई। उसने पूरी कुव्वत से खुद को आगे धकेला और सोचे बिना अपनी सिमत तय करके बिस्तर के पैंतियों से टकराया, और होने वाले दर्द ने उसे बताया कि बदन का ये निचला अनदेखा हिस्सा सबसे ज़्यादा हसास है। सो उसने ऊपरी जिस्म को पहले बिस्तर से उतारने की कोशिश की और अपना सर एहतियात से बिस्तर के किनारे की तरफ घुमाया। ये सहूलत से हो गया और अपनी चौड़ाई, वजन और हजम के बावजूद उसके बदन ने उसके घूमते सर का साथ दिया। मगर जैसे ही उसने बिस्तर से बाहर खुली फ़ा में अपना सर उठाया, वो ऐसे आगे बढ़ने से मोहताद हो गया कि अगर वो यूं ही खुद को बिस्तर से गिर जाने दे तो उसे सर की चोट से बचने का कोई मुआवजा ही दरकार है, और उसे किसी भी कीमत में उस वक्त बेहोश नहीं होना। उसने बिस्तर पर रहने को फौकियत दी। बहरहाल ऐसी ही एक और कोशिश के बाद जब वो दोबारा वहीं पड़ा पहले की तरह हाँप रहा था, उसने एक बार फिर अपनी बिखरी हुई टांगों को देखा जो एक दूसरे से उलझ रही थी, और पहले से बदतर अगर कुछ था तो ये कि इस हरकत को काबू में लाने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने खुद को याद दिलाया कि वो बिस्तर में तो नहीं रह सकता, और इस वक्त सबसे बेहतर यही है कि उठने की महीन सी उम्मीद पर भी हर मुमकिन कुर्बानी दी जाए। साथ ही वो मुस्तकिल खुद को ये याद दहानी कराना नहीं भूला था कि पुरसकून से पुरसकून तरीन नद्द अमल उलझन में लिए गए किसी भी फैसले से बेहतर होता है।
और ऐसे लम्हों में उसने अपनी नज़रें खिड़की के सुपुर्द की, मगर बदकिस्मती से वहाँ धुंध थी जिसने गली का दूसरा सिरा भी ढापा हुआ था। 7 बज चुके थे, उसने खुद को बताया, 7 बज चुके हैं और अब तक इतनी धुंध। और कुछ देर मजीद वो यूं ही लेटा सांस खींचता रहा, जैसे अचानक सुकूत में होने वाला कोई मौजज़ा सब कुछ ठीक कर देगा। मगर फिर उसने खुद से कहा, मुझे हर सूरत में 7:15 से पहले खुद को बिस्तर से निकालना है, चाहे कुछ हो, क्योंकि तब तक दफ्तर से कोई ना कोई पूछने आ जाएगा। दफ्तर 7 बजे से पहले खुलता है। और उसने अपने पूरे जिस्म को एक जानिब धकेला। अगर वो खुद को यूं ही बिस्तर से नीचे गिरने दे तो उसका सर, जिसे वो गिरते हुए फौरन ऊंचा कर लेने का इरादा रखता था, चोट खाने से बच सकता है। उसकी पुश्त सख्त महसूस होती थी, उसके बल गिरने से कुछ नहीं हो सकता था। उसका सबसे बड़ा मसला गिरने से पैदा होने वाली जोरदार आवाज को दबाना था, जो दरवाजे की दूसरी तरफ वालों को डरा नहीं तो कम अज कम मुतवज्जा जरूर कर सकती थी, लेकिन ऐसा किया तो जाना ही था। जब ग्रेगर अपने आप को बिस्तर से निसफ उठाने में मसरूफ था, ये नया तरीका भी झूले की तरह खूब था। उसने सोचा, अगर कोई मददगार हो तो कितनी सहूलत हो जाए। 2 जानदार लोग, उसने अपने वालिद और मुलाजमा के बारे में सोचा, काफ़ी होंगे कि उन्हें बस अपने बाजू उसकी ढाल नुमा पुश्त के नीचे डालकर उसे पलटना ही होगा। बहरहाल वो किसी तरह फर्श पर पलटने में कामयाब हो ही गया, जहां शायद उसकी पतली पतली टांगों को कोई मकसद मिल सके। अब दरवाजे बंद होने के अलावा ये भी सवाल था कि उसे किसी को मदद के लिए बुलाना भी चाहिए या नहीं। तमाम तर परेशानी के बावजूद इस ख्याल पर वो मुस्कुरा उठा। वो इस नहज पर था कि अपना तवाजुन मुश्किल से बरकरार रखे हुए था। 7:45 होने को थे तभी बाहरी दरवाजे की घंटी बजी। ये जरूर दफ्तर से कोई होगा, उसने खुद को बताया, और वो जमकर रह गया। बस इसकी टांगें ज्यादा तेजी से यहां वहां रक्स करने लगी और एक लम्हे को बाकी सब साकित हो गया। वो दरवाज़ा ही नहीं खोलेंगे, ग्रेगर ने खुद को झूठी तसल्ली दी, मगर फिर नौकरानी ने दरवाज़ा खोल दिया और पहली ही आवाज़ में ग्रेगर पहचान गया कि दरवाजे पर कौन है। मैनेजर खुद आया था। जाने ग्रेगर ही की ऐसी नौकरी क्यों थी जहां जरा सी चूक पर आप इंतहाई मशकूक हो जाएं। क्या तमाम मुलाजमीन इनफरादी और इज्तमाही तौर पर कमीने हैं? क्या इनमें ऐसा वफाशार कोई नहीं जो अगर सुबह के कुछ घंटे दफ्तरी काम के लिए वक्फ करने में नाकाम हो जाए तो अपनी ज़मीर की अजियत से पागल ना हो और बिस्तर से उतर ना पाए? क्या ये काफ़ी नहीं था कि पूछगछ करने किसी और को भेज दिया जाता? अगर पूछगछ इतनी ही अहम थी, मैनेजर को खुद आने की क्या ज़रूरत थी? क्या ये सब बेकसूर घर वालों के सामने होना लाजमी था? इन सब सोचों ने ग्रेगर को धम से बिस्तर से गिराया और बाकी आवाज़ नीचे बिछे कालीन ने जस्ट पड़ ली। और ग्रेगर की पुश्त भी इतनी सख्त न थी जितनी वो समझा था, सो आवाज़ ज़्यादा नुमाया हुई ही नहीं, मगर वो अपना सर ऊंचा नहीं कर सका और नतीजतन उसे चोट आई। उसने अपना सर उलझन में घुमाया और कालीन पर रगड़ा। अंदर कुछ गिरा है, अगले कमरे से मैनेजर की आवाज़ आई। ग्रेगर ने सोचा, जो उसके साथ हो रहा है, क्या वैसा कुछ कभी मैनेजर के साथ हुआ होगा? इन बातों के इम्कान का इतराफ़ तो कम अज़ कम कर ही लेना चाहिए। बहरहाल इस सवाल का सरसरी जवाब देने की तरह मैनेजर कमरे में चलने लगा और 7 वाले कमरे से बहन की आवाज़ आई, ग्रेगर मैनेजर तशरीफ़ लाए हैं। मुझे मालूम है, ग्रेगर ने अपने आप से कहा, मगर अपनी आवाज़ ऊंची करने की उसे जसारत ना हुई। ग्रेगर, दूसरे कमरे से वालिद की आवाज़ आई, मैनेजर तशरीफ़ लाए हैं और वो अब तुम्हारे रेल ना पकड़ने की वजह पूछना चाहते हैं। हमें नहीं पता उन्हें क्या बताना है और वो ज़ाती तौर पर तुमसे बात करना चाहते हैं, सो दरवाज़ा खोल दो। वो तुम्हारे कमरे में फैले कचरे को नज़रअंदाज करेंगे। इस दौरान मैनेजर की दोस्ताना आवाज़ आई, सुबह बखैर सामसा साहेब। वो ठीक नहीं है, वालदा ने मैनेजर से कहा, और वालिद दरवाजे पर बोलते रहे, वो ठीक नहीं है, मेरा यकीन कीजिए, वरना ग्रेगर की गाड़ी कैसे छूट सकती है? ये लड़का तो काम के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। मैंने तो उसके रात बाहर ना जाने को भी बुरा मनाया। वो 7 रोज से शहर में है मगर कहीं जाता ही नहीं। हर रात हम में बैठ कर खामोशी से अखबार पढ़ता है और अपने आने जाने के औकात तय करता है। अगर वो खुद को कूफी कारी में मसरूफ करे तब भी उसका ध्यान बटा रहे। जैसे उसने 2 या 3 रोज पहले एक बहुत नफीस फ्रेम काटा था, वो वहीं लटका है। कमरे में दाखिल होते हुए आपकी नज़र पड़ेगी जैसे ही ग्रेगर दरवाज़ा खोलेगा। बहरहाल हम खुश हैं कि आप खुद ही तशरीफ़ ले आए, वरना हम तो ग्रेगर से दरवाज़ा नहीं खुलवा पाते, वो बहुत ज़िद्दी है। मगर वो यकीनन बीमार है, चाहे वो कहे कि वो ठीक है। मैं आ रहा हूँ,
ग्रेगर ने बिना हरकत किए आहिस्ता से कहा, क्योंकि वो गुफ्तगू का एक लफ्ज भी खोना नहीं चाहता था। मोहतरमा, मैं खुद को उसके सिवा और कुछ नहीं समझा पा रहा, मैनेजर ने कहा। उम्मीद है कुछ बहुत संजीदा ना होगा, मगर दूसरी तरफ हम कारोबारी लोगों को, चाहे खुशकिस्मती से कहें या बदकिस्मती से, मगर इन छोटी छोटी रुकावटों के कारोबार की खातिर में नहीं लाना चाहिए। तो क्या आप तुम्हारे मैनेजर अंदर आकर तुमसे मिल सकते हैं, वालदा ने दरवाज़ा खटखटाते हुए बेसब्री से पूछा। नहीं, ग्रेगर ने कहा और एक दरवाजे पर सन्नाटा तारी हो गया। दूसरे से उसकी बहन की सिसकियाँ आने लगी। बहन भी दूसरों के पास ही क्यों नहीं चली जाती, शायद वो अभी उठी है और उसने लिबास तब्दील नहीं किया है। मगर रोने की क्या बात है, ये कि वो उठ नहीं रहा और मैनेजर को अंदर नहीं आने दे रहा क्योंकि उसकी नौकरी खोने का खतरा है, और क्योंकि फिर उसका मैनेजर उनके वालदेन को कर्ज के लिए परेशान करेगा। शायद ये परेशानियां इस वक्त बेजा थी, ग्रेगर यहीं था और अपने ख़ानदान का साथ नहीं छोड़ रहा था। इस वक्त वो कालीन पर पड़ा था और इसकी हालत से वाकिफ कोई भी उसे मैनेजर को अंदर आने के लिए नहीं कह सकता था, लेकिन ग्रेगर को इतनी आसानी से फारिग नहीं किया जा सकता। एक ज़रा सी कोताही के लिए जिसकी मुनासिब तौजीह वो तराश लेगा। ग्रेगर को लगा कि इस वक्त सबसे मुनासिब उसे तन्हा छोड़ देना है बजाय रोने और बातें करने के, मगर लायकीनी ने बाहर वालों को भी परेशान किए रखा था और वही इनके अमल के तौजीह थे। सामसा साहेब, मालिक की आवाज़ ऊँची हो चुकी थी, आखिर मामला क्या है जो आप यूं कमरे में बंद होकर फ़कत हाँ या नहीं में जवाब देकर अपने वालदेन की मुश्किलात में संजीदा और गैर ज़रूरी इजाफा कर रहे हैं और नज़रअंदाज कर रहे हैं? ये बात मैं बस अज़राह तस्करा ही कर रहा हूँ। अपनी तजारती जिम्मेदारियों को मैं इदारे और आपके घर वालों की तरफ से आपसे इस अमल की फौरी वजाहत मांगता हूँ। हैरत या हैरत में तो मैं आपको एक माकूल पुरसकून शख्स समझता था, और अब अचानक आप हम ही को मिजाज दिखा रहे हैं। मुहासिब ने आज ही आपकी कोताही की तरफ इशारा किया था कुछ रकम के मुतालिक जो आपको दी गई, मगर मैंने उसे अपनी ज़बान दी कि सबब ये नहीं हो सकता, लेकिन मैं यहाँ इंतहाई हठधर्मी देखने के बाद आपके बारे में एक लफ्ज़ मजीद नहीं बोल सकता, और आपकी नौकरी हरगिज महफूज नहीं है। मैं ये सब आपसे अकेले में कहना चाहता था, मगर चूंकि आप मेरा वक्त बर्बाद करने पर तुले हैं सो ये बातें वालदेन के सामने लानी पड़ी हैं। हाल ही में आपकी कारकर्दगी मायूस कौन है, ज़ाहिर है कारोबारी एतबार से ये साल का बहुत अच्छा हिस्सा तो नहीं है, हमें इसका अंदाज़ा है, लेकिन इस हिस्से में कारोबार ना ही करना ये कोई बात ही नहीं है। सामसा साहब, ना ऐसा हुआ है ना होगा। लेकिन मैनेजर, ग्रेगर ने उलझन में सब कुछ फरामोश करके कहा, मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोल रहा हूँ इसी वक्त, ना साजी तबा ने मुझे अब तक उठने ना दिया, मैं अब तक बिस्तर में ही पड़ा हूँ, लेकिन अब मैं बेहतर हूँ और बस उठ ही गया हूँ। बस ज़रा देर हौसला कीजिए, मेरी तरफ हालात कुछ साजगार नहीं हैं, अभी कल शाम तक सब ठीक ठाक था, वालदैन भी ये जानते हैं, लेकिन कल ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था, लोगों ने भी मुझ में ये देखा होगा, न जाने मैंने दफ्तर में इसकी इत्तला क्यों न की। दरअसल लोग गुमान करते हैं कि वो अपनी बीमारी पर बिना घर पर रुके काबू पा लेंगे, बराए करम मेरे वालदैन के साथ नरमी बरतें, इन बातों की कोई बुनियाद नहीं है जो आप मेरे खिलाफ बना रहे हैं। किसी ने किसी रकम के बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा, शायद आपने वो खाता नहीं देखा जो मैंने आखिरी बनाया है। इसके अलावा मैं 8 बजे वाली गाड़ी से आज भी जा ही रहा हूँ, कुछ घंटों के आराम ने मुझे इतनी तवानाई दे दी है। जनाब, आप रुकने की जहमत ना करें, मैं खुद दफ्तर पहुँचता हूँ। जब ग्रेगर ये सब उगल रहा था, ये जाने बिना कि वो दरअसल कह क्या रहा है, वो आसानी से अलमारी के नज़दीक हो गया था। शायद बिस्तर पर वर्जिश की वजह से उसे ऐसा करने में ख़ास दिक्कत ना हुई। दरअसल वो दरवाज़ा खोलना चाहता था, वो चाहता था कि उसे देख लिया जाए, वो देखना चाहता था कि जो अब तक उसके पीछे पड़े थे कहते क्या हैं। उसे देखते ही अगर वो शशदर रह गए तो ग्रेगर की जिम्मेदारी ख़त्म और सुकून, लेकिन अगर उन्होंने ये भी खामोशी से कबूल कर लिया तो ग्रेगर के पास खुश होने की कोई वजह न थी, और अगर वो निकल पड़े तो 8 बजे तक स्टेशन पहुंच सकता है। पहले तो वो कुछ देर अलमारी से लग कर सरका, मगर आखिरकार खुद पूरा जोर लगाकर वो उठ खड़ा हुआ। उसे अपने निचले हिस्से में उठने वाले दर्द का कोई अंदाज़ा नहीं था, चाहे कितनी ही टीसें उठें। फिर उसने खुद को नज़दीक पड़ी कुर्सी पर गिरा दिया और अपनी पतली टांगें उसके किनारों पर लपेट ली, और यूं खामोशी से खुद पर काबू पाया। बाहर से मैनेजर की आवाज़ आ रही थी,
क्या तुमको एक लफ्ज भी समझ आया? मैनेजर ने वालदैन से पूछा, क्या वो हमारी मस्खरी उड़ा रहा है? खुदा के वास्ते, वालदैन ने अशबार कहा, शायद वो बहुत बीमार हो। ग्रैग ग्रैग, अब वालदा चीख पड़ी। वालदा, बहन दूसरे कमरे से पुकारी। वो ग्रेगर के कमरे के जरिए बात कर रहे थे। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या आपने अब तक ग्रेगर को बोलते सुना? वो एक जानवर की आवाज़ है, वालदा के बैन के दौरान मैनेजर ने आहिस्तगी से कहा। आना आना, वालिद चिल्लाए और हाथ पीट कर कहने लगे, ताला खोलने वाले को बुलाओ। बाहर दो खवातीन पहले ही दौड़ी फिर रही थी। न जाने मेरी बहन ने इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदल लिए। वो बाहर दौड़ गई और उनके पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं आई। शायद वो खुला ही छोड़ गई हों, जैसा कि परेशानी में रिवायत है। ग्रेगर बहरहाल काफ़ी पुरसकून हो चुका था। ठीक है, लोग अब उसके अल्फाज नहीं समझ रहे हैं, जबकि उसके वास्ते वो वाजे हैं, पहले से ज़्यादा वाजे। शायद उसके कानों को आदत है इस वजह से, मगर चलो कम अज़ कम लोगों को ये तो अंदाज़ा हुआ कि हालात मामूल के मुताबिक नहीं हैं, और वो मदद करने को तैयार हुए। यह एतमाद और यकीन जिससे इतना इंतज़ाम किया, इसके लिए फरहत बख्श था। उसने महसूस किया जैसे वो एक बार फिर इंसानियत के दायरे में आ गया है। अब वो डॉक्टर और शाबी वाले से बिला तफरीक हैरान रह जाने की तमन्ना करता था। अपनी आवाज़ को अब होने वाली नागुजीर गुफ्तगू के लिए जितना मुमकिन वाजह रखने को ग्रेगर दबी दबी आवाज़ में खनकारा, क्योंकि मुमकिन था ये आवाज़ भी आम इंसानी आवाज़ से मुख्तलिफ निकले। उसका अपने आप से ईमान उठ चुका था। इस दौरान अगले कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। शायद उसके वालदैन मैनेजर के साथ मेज पर बैठे कुछ खुसर फुसर कर रहे हों, शायद वो सब दरवाजे से कान लगाए खड़े हों। ग्रेगर ने खुद को कुर्सी की मदद से धीरे धीरे दरवाजे की तरफ धकेला और फिर कुर्सी फेंक कर दरवाजे पे जा गिरा और खुद को उसके मुखालिफ खड़ा किया। उसकी टांगों में कुछ चिपचिपा था। लम्हे भर की इस सरगर्मी से सस्ता कर उसने अपने मुंह से ताले की चाबी घुमानी चाही। बदकिस्मती से उस पर खुला कि उसके मुंह में दांत जैसा कुछ नहीं। फिर वो चाबी कैसे पकड़े, मगर दांतों के बदले उसका जबड़ा खासा मजबूत था, जिसकी मदद से उसने चाबी घुमा ही ली और उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो यूं खुद को जख्मी कर रहा है। उसके मुंह से कोई कत्थई मादा निकलकर चाबी से होके फर्श पर टपक रहा था। यह आवाज़ सुनो, दूसरे कमरे से मैनेजर की आवाज़ आई, वो चाबी घुमा रहा है। इससे ग्रेगर को काफ़ी हौसला मिला, मगर उन्हें इसका हौसला मजीद बढ़ाना चाहिए था। उसे वालदैन की आवाज़ आनी चाहिए थी, चलो ग्रेगर, शाबाश, तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो, चाबी घुमाओ ग्रेगर। ये तसव्वुर करके उसकी तमाम मेहनत का हासिल बस तजस्सुस है। उसने पूरी कुव्वत से चाबी पर काटा। जैसे ही चाबी घूमी वो दरवाजे के गिर्द नाच के रह गया। अब वो सिर्फ चाबी मुंह में लिए दरवाजे से लटका हुआ था। उसे लटके रहकर एक बार फिर अपने पूरे वजन से उसे नीचे खींचना था, और फिर ताला खुल जाने की आवाज़ से उसके हवास लौटे। उसने अपने फूले हुए सांस में खुद से कहा, सो मुझे किसी चाबी वाले की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर उसने अपना मुंह दरवाजे के हैंडल पर रखा ताकि दरवाज़ा मुकम्मल खुल सके, और चूंकि उसे दरवाज़ा ऐसे खुलना पड़ा, वो दरवाज़ा खुलने पर भी दिखाई न दिया। उसे बहुत ख्याल और एहतियात से दरवाजे के पीछे से निकलना था। वो दाखिली रास्ते पर सबके सामने गुजरना नहीं चाहता था। वो इस मोहतात हरकत में मसरूफ था, और अगली किसी तरफ उसका ध्यान न था कि उसने मैनेजर के वो चीखते सुना, या खुदाया। उसकी आवाज़ आंधी जैसी थी। अब उसने ग्रेगर को देख लिया था। दरवाजे के सबसे नज़दीक से अपना हाथ अपने मुंह पर रखे पीछे पीछे हटते जाने के दौरान जैसे कोई अनदेखी कुव्वत उसे पीछे धकेल रही थी। वालदा मैनेजर की मौजूदगी के बावजूद बाल बिखराए खड़ी थी और हाथ जोड़े वालिद की तरफ देख रही थी। वो फिर दो कदम ग्रेगर की तरफ गई और वहीं ढेर हो गई। उनका चेहरा उनकी छातियों में छुप गया। वालिद ने मजबूरी के आलम में अपनी कलाई पकड़ी जैसे वो ग्रेगर को वापस कमरे में धकेल देना चाहते हों। फिर उन्होंने इर्द गिर्द की नज़रें दौड़ाकर अपना मुंह अपने हाथों से ढाँप लिया और अपना चौड़ा सीना हिला हिला कर रोने लगे। इस मौके पर ग्रेगर ने एक कदम भी वापस अपने कमरे की तरफ नहीं लिया, बल्कि अपना जिस्म दरवाजे के पीछे से बाहर झुका दिया। यूं उसका सिर्फ आधा बदन नज़र आता था और सर जो एक तरफ को ढलका हुआ था। वो इस ही से सबको देख रहा था। इस दौरान खासी रोशनी हो चुकी थी। गली के दूसरे सिरे पर जहाँ तक मकानों की कतारें वाजे देखी जा सकती थीं, वहाँ एक अस्पताल था। बारिश अब तक हो रही थी, लेकिन बड़ी बड़ी बूंदों बल्कि टपकों की सूरत जो बारी बारी गिराए जा रहे थे। नाश्ते के बर्तन मेज़ पर थे, क्योंकि वालिद के मुताबिक नाश्ता करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वह इस पर मुख्तलिफ हवाले देकर सैर हासिल गुफ्तगू करते थे।
बिल्कुल सामने वाली दीवार पर ग्रेगर की एक तस्वीर टंगी थी। उसकी फौजी खिदमात के वक्त की, वो तब लेफ्टिनेंट था। वो बेफिक्र अपनी तलवार पर हाथ रख के मुस्करा रहा था, अपनी वर्दी की इज्जत तलब करता हुआ। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और बाहरी दरवाज़ा भी खुला छोड़ दिया गया था। इस सबब अपार्टमेंट का अहाता और नीचे जाती सीढ़ियां तक देखी जा सकती थीं। अब ग्रेगर ने यह जानते हुए कहा कि वाहिद वो ही इस वक्त हवास में है। मैं उठकर तैयार होता हूँ, नमूनों की तय लगाता हूँ और काम पे जाता हूँ। मालिक, उम्मीद है आप मुझे जाने देंगे। क्या आप देख सकते हैं मैं हट धर्म नहीं हूँ और काम करना पसंद करता हूँ। सफ़र करना मुश्किल है लेकिन मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। अब जा कहाँ रहे हैं? क्या आप दफ्तर जा रहे हैं? वाकई वहाँ सबको आंखों देखी बताएंगे। कोई लम्हाती तौर पर काम करने से कासिर हो सकता है मगर ऐसे में उसकी पिछली खिदमत देखी जाती हैं। फिर रुकावट दूर होने पर वो मज़ीद दिलचस्पी से काम करने लगता है। मैं मुहासिब का भी मकरूज हूँ यह आपको मालूम है, और दूसरी तरफ मैं अपनी बहन और वालदैन के लिए भी फिक्रमंद हूँ। मैं ज़रा उलझन में हूँ मगर मैं इससे निकल आऊँगा। तब तक बराए मेहरबानी पहले से दुश्वार हालात को मज़ीद दुश्वार ना बनाइए। दफ्तर में मेरे मुतालिक बात कीजिएगा। लोग सफ़र करने वाले ताजिर को अच्छा नहीं समझते। वो समझते हैं ये बहुत पैसे कमाकर ऐश करते होंगे, लोगों के पास अपने अंदाजे के सिवा कुछ सोचने की कोई माकूल वजह नहीं है। मगर आप जनाब का देखने का जाविया और उससे मुख्तलिफ है। मैं ही पूरे अदमाद से कहता हूँ कि चेयरमैन साहब से भी अलग और बेहतर, जो अपने मैनेजर होने के नाते अपने अंदाजे से थोड़ी बहुत गलतियाँ कर सकते हैं। और आपको ख़ुद भी पता है कि सफ़र करने वाला जो साल का बेशतर हिस्सा बाहर गुजारता हो, वो बातों, बेजा शिकायतों और दीगर इत्तेफाक का आसान निशाना बन सकता है, जिनके ख़िलाफ़ अपना दिफा करना उसके लिए गैर मुमकिन हो, क्योंकि ज़्यादातर तो उसे खबर ही ना हो इन बातों की। या फिर तब जब वो थका हारा बाहर से लौट कर आए और अभी अपना जिस्म महसूस ही कर रहा हो कि ऐसे नागुज़ीर हालात का सामना हो जाए जिनकी बुनियादों की कुछ खबर ना हो। आप बराए मेहरबानी कुछ तो कहकर जाइए, कम अज़ कम यही कि मैं किसी हद तक दुरुस्त हूँ। मैनेजर ग्रेगर के पहले लफ्ज़ के साथ ही जा चुका था। अब वो पलट कर अपने शानों पर से अपने होंठ बीच कर उसे देख रहा था। ग्रेगर की तकरीर के दौरान वो रुका नहीं रहा बल्कि दरवाजे की तरफ हटता रहा। ग्रेगर पर से नज़रें हटाए बिना वो बहुत मोहतात होकर, ऐसे जैसे कमरे से निकलने पर कोई पाबंदी लगी हो, वो दालान तक पहले ही पहुंच चुका था। और एक अचानक हरकत से कि जिसमें उसने अपना पैर कमरे से बाहर निकाला, लगा कि उसके तलवों को आग लगी है। दालान में अलबत्ता उसने अपना दाहिना हाथ अपने जिस्म से दूर किया, जैसे कोई गैर मरई सुकून वहाँ उसका मुंतजर हो। ग्रेगर को अंदाज़ा हुआ कि उसे किसी भी सूरत में मैनेजर को उसकी मौजूदा सोच के साथ जाने नहीं देना चाहिए, ख़ासकर जब उसकी नौकरी ख़तरे में हो। वालदैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुज़िश्ता सालों में उन्होंने यकीन कायम कर लिया था कि ग्रेगर ताहयात ये नौकरी करता रहेगा, और जूँ भी रोज़मर्रा मसाइल ने उनकी किसी भी पेशगोई की सलाहियत माउफ़ कर दी थी, मगर ग्रेगर की ये सलाहियत बाकी थी और उसे हर सूरत में मैनेजर को रोकना था, पुरसकून करना था, समझाना था और आखिरे कार जीत लेना था कि ग्रेगर और उसके ख़ानदान का मुस्तकबिल उसी फतह पर मुनहसर था। काश बहन यहाँ होती, वो चलाक है और रो चुकी थी जबकि ग्रेगर अब तक खामोशी से अपने पुश्त के बल पड़ा था, और मैनेजर खवातीन का शौकीन था सो ज़रूर उसकी बात सुन लेता। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसे डर से निजात दिला देती, मगर यहाँ वो भी नहीं थी। ग्रेगर को अकेले ही हालात से निपटना था, ये सोचे बिना कि ताहाल वो अपनी हरकत करने की सलाहियत से पूरी तरह वाकिफ भी नहीं है, और ये सोचे बिना कि उसकी बात इस बार भी समझी नहीं गई है। वो दरवाजे की ओट से निकल आया और मैनेजर की तरफ बढ़ा, जिसने पहले ही जाली को बेहंगम तरीके से कस के पकड़ा हुआ था। मगर जैसे ही वो निकला, किसी शय का सहारा लेने की नाकाम कोशिश में एक चीख के साथ अपनी मुतअद्दिद टांगों पर गिर गया, और तब अरसे बाद उसे अपने मुजस्सिम जानदार होने का एहसास हुआ। उसके कदमों तले सख्त ज़मीन थी और उसकी टांगें उसके काबू में थीं। उसने इस बात की खुशी मनाई और जाना कि वो उसे आगे ले जा सकती हैं। उसकी मर्जी की सिमत, उसी वक्त उसे यकीन हो गया कि उसकी तमाम अजियतों का फल मिलने वाला है। मगर उसी वक्त जब वो फर्श पर झूल रहा था, वालदा के बिल्कुल नज़दीक जो अपने आप में धसी हुई थी, वो अचानक उठ खड़ी हुई और अपना हाथ फैलाकर मदद मांगने लगी। उन्होंने सर झुकाकर ग्रेगर को गौर से देखा, मगर फिर पलटकर बिना देखे भाग खड़ी हुई। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि बर्तनों से सजी मेज़
उनके पीछे है। जब वो मेज तक पहुंची तो वहां ढेर हो गई। उन्होंने ये भी ध्यान नहीं किया कि मेज पर से कॉफी गिर रही है। ग्रेगर ने वाल्दा को पुकारा। मैनेजर उसके जहन से बिल्कुल उतर चुका था और कॉफी को देखकर वो अपना जबड़ा हवा में चलाए बिना नहीं रह सका, जिस पर वाल्दा दोबारा खुद से चीख उठी और वालिद पर जा गिरी, जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। मगर वालदैन के लिए ग्रेगर के पास वक्त नहीं था। मैनेजर सीढ़ियों तक पहुंच चुके थे। उन्होंने आखिरी बार ग्रेगर की तरफ देखा जो उनकी तरफ आ रहा था, जिसे देखकर मैनेजर ने कुछ सीढ़ियों से छलांग लगा दी और चीख कर गायब हो गया। उसके मैनेजर की तरफ बढ़ने ने वालदैन को चौकन्ना कर दिया था, जो अब तक काफी संभले हुए थे कि उन्होंने मैनेजर या ग्रेगर को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि बढ़कर मैनेजर की छड़ी पकड़ ली, जो वो अपने कोट और हैट के साथ यहीं भूल गया था। दूसरे हाथ से उन्होंने मेज पर रखे अखबार को उठाया और अपने पैरों को जमीन पर पटक के और साथ अखबार की मदद से ग्रेगर को वापस कमरे में धकेलने लगे। ग्रेगर की कोई इल्तिजा ना सुनी जा रही थी, ना समझी जा रही थी। वो जितनी ही कोशिश करता कि आराम, सुकून और इज्जत से पलट जाए, वालिद उतनी ही शिद्दत से पैर पटकते और उसे वापस धकेला जाता। कमरे के दूसरी तरफ वालदा ने ठंड के बावजूद खिड़की खोल रखी थी और अपना सर उससे बाहर निकाल रखा था कि तेज हवा के झोंकों ने पर्दे और मेज पर पड़े बाकी अखबार उड़ा दिए और वालिद ताहाल उसे पीछे धकेलते जाते थे। ग्रेगर को उल्टा चलने का कोई तजुर्बा ना था और वो बहुत धीरे धीरे जा रहा था। अगर उसे पलटने दिया जाता तो वो अब तक कमरे में पहुंच चुका होता, मगर ऐसा करके वो उनको मजीद नहीं डराना चाहता था। और साथ ही उसे उस छड़ी का भी खौफ था जो वालिद के हाथ में थी और किसी भी वक्त उसके सर या कमर पर मौलिक चोट लगा सकती थी। अब तक उसे खबर नहीं थी कि उल्टे पांव चलते भी उसने अपनी सिमत कैसे दुरुस्त रखी है। वो कन अखियों से वालिद की तरफ देखता जाता और घूमता जाता। शायद वालिद को उसकी नीयत का अंदाज़ा हो चुका था, सो उन्होंने उसे पलटने दिया, बल्कि वो डंडे से उसे रास्ता दिखाते रहे। उनकी होश होश से ग्रेगर का दिमाग माउफ हुआ जाता था। वो करीब पूरा ही पलट चुका था कि वालिद के हुशकाने पर उसने पीछे मुड़कर देखने की गलती की और जब उसने अपना सर दरवाजे से अंदर दाखिल किया तो इसे अंदाज़ा हुआ कि उसका बाकी बदन अंदर जाने के लिए बहुत बड़ा है। और जाहिर है इन हालात में वालिद को भी दरवाजे का दूसरा पट खोल देने का ध्यान ना हुआ कि ग्रेगर आराम से गुजर सके। वो बस जल्द अज जल्द उसे कमरे में पहुँचाना चाहते थे और ऐसा करने में ग्रेगर को किसी तैयारी का मौका देने से कासिर थे और देखे बिना उसे उस आवाज़ में हुशकारे जाते जो एक बाप की हरगिज़ न थी। ग्रेगर ने कुछ सोचे बिना खुद को दरवाजे में धकेल दिया, जिससे उसके जिस्म का एक बड़ा हिस्सा हवा में उड़ गया और कुछ ही देर बाद वो यूं मौलक हो गया कि अब मजीद अंदर जाना उसके वास्ते मुमकिन न रहा। एक तरफ की टांगें हवा में मौलक थीं और दूसरी तकलीफदेह अंदाज में उसके नीचे दबी थी। तभी वालिद ने उसे ज़ोर से अंदर धकेला, जिससे उसकी जिल्द छिल गई, लेकिन वो कमरे में पहुंच गया। दरवाजा उसके पीछे छड़ी से बंद कर दिया गया। ग्रेगर शाम होते तक गुनूदगी से बाहर आया। उसने काफी नींद कर ली थी और वो यूं बेदार हो ही जाता, मगर उसे लगा जैसे कदमों की चाप और दरवाजा बंद होने की आवाज से उसकी आंख खुली है। बाहर गली में होने वाली रोशनी कुछ कुछ कमरे में आ रही थी, मगर ग्रेगर के इर्द गिर्द अंधेरा था। उसने खुद को दरवाजे की तरफ धकेला। अब उसे अपने मुहासों का दुरुस्त इस्तेमाल आने लगा था। उसको अपने बाहिने हिस्से पर एक बड़ी खराश महसूस हुई। वो लंगड़ा रहा था। उसकी एक टांग बुरी तरह जख्मी थी और जो कुछ सुबह हुआ उसमें बस सिर्फ एक ही टांग का जख्मी होना मौजजा था, जो अब बस बेजान सी होकर उसके साथ साथ घिसट रही थी। दरवाजे के पास उसने वो देखा जो दरअसल उसे वहाँ तक ले गया था। ये खाने की खुशबू थी। वहाँ दूध का प्याला रखा था जिसमें डबल रोटी थी। वो खुशी से तकरीबन हंसने लगा, क्योंकि अब उसे सुबह से ज़्यादा भूख लगी थी और उसने फौरन ही अपना सर करीब अपने आँखों तक दूध के प्याले में डाल दिया, लेकिन फिर फौरन ही मायूस होकर निकाल भी लिया। न सिर्फ इस वजह से कि बाहिनी तरफ जख्म के सबब उसके लिए मुश्किल था, वो इस ही सूरत में कुछ खा सकता था जब उसका मुकम्मल जिस्म उसका साथ दे, बल्कि अब दूध भी, जो उसका पसंदीदा मशरूब था और शायद उस ही वजह से उसकी बहन ने यहाँ रखा था, अब उससे पिया ना जाता था। वो नागवारी के साथ पलटा और कमरे के वस्त तक आ गया। उसने दरवाजे की दरार से गैस लाइट जलती देखी। इस वक्त वालिद दोपहर का अखबार ऊंची आवाज़ में वालदा को पढ़कर सुनाया करते थे और अक्सर बहन को भी।
मगर इस वक्त कोई आवाज़ सुनाई न देती थी। शायद अब वो अमूमन ऐसा ना करते हों। इर्द गिर्द शदीद सन्नाटा था, हालांकि सभी मौजूद थे। हमारा ख़ानदान कितनी खामोश जिंदगी बसर करता है, ग्रेगर ने अपने आप से कहा। वो मुस्तकिल खला में कुछ घूर रहा था। उसे फ़ख्र था कि उसने अपने वालदैन और बहन को ऐसे हसीन अपार्टमेंट में रखा था। लेकिन कैसे चलेगा अगर तमाम सुकून, तमाम खुशहाली और इतनी कनात का ऐसा भयानक अंजाम होगा। खुद को इन ख्यालात से महफूज रखने के लिए ग्रेगर ने कमरे में रींगना शुरू कर दिया। सारे दिन में एक एक बार दोनों दरवाजे बारी बारी ज़रा से खुले और फौरन दोबारा बंद हो गए। शायद कोई अंदर आते आते रुक गया। ग्रेगर कमरे के सामने वाले दरवाजे के आगे खड़ा हो गया ताकि आने वाले को अंदर ला सके या कम अज़ कम ये देख ही सके कि बाहर आया कौन है। मगर दरवाज़ा दोबारा न खुला और ग्रेगर अब बस मुंतजर रहा। जब दरवाज़ा अंदर से बंद था तो सब अंदर घुसने को मरे जा रहे थे, और अब दरवाजे बाहर से बंद हैं। बाहर की रोशनियां रात को बुझा दी जाती थी और अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वालदैन और बहन रात भर नहीं सोए, क्योंकि उनके मोहतात होकर पंजों के बल चलने की आवाज़ें साफ सुनाई देती थी। ये तय था कि सुबह तक कोई ग्रेगर के पास नहीं आएगा, यानी उसके पास अपनी ज़िंदगी सोचने को खासा वक्त था। मगर इस वसी और अरीज़ कमरे में, जिसमें उसे पेट के बल लेटा रहने पर मजबूर किया गया है, उसे वहशत हो रही थी। हालांकि उसने ज़िंदगी के 5 साल यहीं गुजारे थे, वो नीम शऊरी तौर पर एक तरफ मुड़कर तेज़ी से बिना किसी झिझक सोफे के नीचे घुस गया। यहाँ बावजूद उसके कि उसकी पुश्त दबी हुई थी और सर उठाने तक की गुंजाइश न थी, उसने सुकून महसूस किया। उसे अफसोस हुआ कि उसका मुकम्मल जिस्म सोफे की नस्बत ज़्यादा चौड़ा क्यों है। उसने तमाम रात यहीं गुजारी, करीब आधी रात नीम खाविदा हालत में, जिसमें उसे बार बार भूख ने बेदार किया और बाकी की परेशानी और धुंधली उम्मीदों में सर्फ हुई, जिससे नतीजा यही अक्स हुआ कि दरपेश हालात में उसे खुद को पुरसकून रखना है और वो परेशानियां बर्दाश्त करनी हैं जो उसे अपनी हालत के सबब घर के दीगर अफराद को देनी पड़ रही हैं। और सुबह होने से पहले ही ग्रेगर को वो फैसले आजमाने का मौका मिल गया जब उसकी बहन ने दरवाज़ा खोलकर बेसब्री से अंदर झांका। उसे वो फौरन नज़र नहीं आया। वो समझती थी उसे यहीं कहीं होना चाहिए कि वो उड़ तो सकता नहीं है। मगर जब उसे सोफे के नीचे ग्रेगर के होने का अंदाज़ा हुआ तो उसे शदीद सदमा लगा, और इस सदमे में उसने झट से दरवाज़ा दोबारा बंद कर लिया। मगर फिर उसने माजरत ख्वाना अंदाज में दरवाज़ा दोबारा खोल दिया और बहुत मोहतात अंदाज में पंजों के बल अंदर दाखिल हुई, जैसे किसी अजनबी के सामने आते हों। ग्रेगर सिर्फ अपना सर बाहर निकालकर उसे देख रहा था। क्या उसे अंदाज़ा हो पाएगा दूध छोड़ दिया गया है और ऐसा भूख ना होने के सबब नहीं है? और क्या वो खाने को कुछ और ला सकेगी जो उसके लायक हो? अगर ऐसा ना हुआ तो वो भूख से मारा जाएगा, या फिर वो उसकी तवज्जो उस जानिब दिलाए। ग्रेगर ने किसी न किसी तरह खुद को सोफे से बाहर निकाल कर अपनी बहन के पैर पकड़ के खाना मांग लेने से रोक रखा, लेकिन हैरान कुन तौर पर बहन ने फौरन ही दूध का भरा हुआ प्याला और इसके इर्द गिर्द गिरे छींटे देख लिए और फौरन ही प्याला उठा लिया, मगर अपने हाथों से नहीं, किसी कपड़े की मदद से, और कमरे से बाहर चली गई। ग्रेगर सोचने पर मजबूर हो गया कि वो दूध के बदले क्या लाएगी। उसने मुख्तलिफ अंदाजे लगाए मगर किसी नतीजे पर ना पहुंचा कि उसकी बहन अपनी बेहद रहमदिली से उसके लिए क्या लाएगी। वो उसका जायका देखने को मुख्तलिफ चीज़ें अखबार में लपेट लाई, जिसमें कुछ सड़ी गली सब्जियां, शाम के खाने से बच जाने वाली हड्डियां जिन पर घी जम चुका था, कुछ पिस्ते बादाम और पनीर लाई, जिसे खाने से ग्रेगर ने 2 दिन पहले इनकार किया था, एक खुश्क और एक नमकीन रोटी का टुकड़ा जिस पर मक्खन लगा था, और इसके साथ साथ वो एक बर्तन में, जिसे शायद अब से ग्रेगर का कहा जाना था, पानी भी लाई थी। वो तहजीब का पास करती ये सोचकर फौरन ही पलट गई कि भाई उसके सामने ये गिज़ा नहीं खाएगा। उसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। अब ग्रेगर जैसे चाहे पुरसकून हो सकता था। खाने का वक्त आते ही उसका जिस्म थरथराने लगा। उसके जख्म अब तक मुकम्मल भर चुके थे और इस तरफ से उसे कोई मोहताजी न थी। वो इस बारे में हैरान ज़रूर था। उसने सोचा कि कैसे उसने महीने भर पहले छुरी से अपनी उंगली काट ली थी और अभी परसों तक उसमें दर्द था। क्या अब मैं इतना हसास नहीं रहूँगा? उसने पनीर खाते हुए सोचा, जिसकी तरफ वो खिंचा चला आया था।
उसे सब्जियां और बाकी ताज़ा खाना ज़्यादा पसंद नहीं आया, यहाँ तक कि उनकी महक भी उससे बर्दाश्त न हुई और उसने अपने खाने लायक चीज़ें उससे अलग कर ली। तब तक बहन ने दरवाजे में धीरे से चाबी घुमाई, शायद वो बताना चाहती थी कि वो अब खाना छोड़कर हट जाए, जो कि वो कप का खा चुका था और अब उस ही जगह सुस्त पड़ा था। उसको इस आवाज़ ने चौंका दिया, वो तकरीबन सो चुका था मगर इसके बावजूद फौरन ही सोफे के नीचे वापस खिसक गया। उसने खुद को बमुश्किल वहीं महसूर किए रखा, इस ज़रा सी देर को भी जिसमें उसकी बहन कमरे में रही, क्योंकि खाने के सबब वह कुछ ज़्यादा भर गया था और इस तंग जगह उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने मुलतजी निगाहों से बहन की तरफ देखा और उससे बेखबर उसकी बहन ने अपने भाई का खाना झाड़ू से साफ किया, वो खाना भी जिसको ग्रेगर ने अभी हाथ तक न लगाया था, ऐसे जैसे वो कचरा हो, और उसे कचरे की टोकरी में ही डालकर कमरे से बाहर ले गई और ग्रेगर उसके पलटने से पहले ही सोफे से बाहर सरक आया। ग्रेगर को रोज़ाना यूं ही खाना डाला जाता, एक बार सुबह में जब नौकरानी और वालदैन सो रहे होते और दूसरी बार घर वालों के दोपहर के खाने के बाद, क्योंकि तब भी वालदैन ज़रा देर को सो जाते और बहन नौकरानी को किसी न किसी काम से भेज देती। जाहिर है वो ये तो नहीं चाहते थे कि ग्रेगर फाकों से मर जाए, मगर वो ये पता लगाने की सख्त भी नहीं रखते थे कि वो खाता क्या है। उनकी बेटी उन्हें कम अज़ कम इस सदमे से तो बचा ही सकती थी कि पहले ही वो बहुत परेशानी का शिकार थे। ग्रेगर को कोई अंदाज़ा नहीं था कि जाने उन्होंने उस रोज़ डॉक्टर और चाबी वाले को कैसे टाला संभाला होगा। उसे समझा नहीं जा सकता था, सो किसी ने भी, हत्ता कि उसकी बहन ने भी ये गुमान न किया कि वो तो उनको समझ सकता है। वो बहन के कमरे से उसकी सिसकियाँ और बुज़ुर्गों के आगे की जाने वाली मिन्नतें और दुआएं सुन सकता था कुछ रोज़ तक, जब तक वो कुछ कुछ इन हालात से मानूस हो गई, और जाहिर है कि मुकम्मल मानूस होने का तो सवाल ही नहीं होता। ग्रेगर को उसकी तरफ से कुछ दोस्ताना से जुमले सुनाई दिए जिन्हें वो दोस्ताना ही कह सकता था, जैसा कि जिस रोज़ वो सब कुछ चट कर जाता उस रोज़ वो कहती, आज तो उसे खाना बहुत पसंद आया, या कभी इसके बरक्स होता, और बस यही बार बार होता रहा। ग्रेगर तक यूं तो कोई बात ना पहुंचती, मगर वो दरवाजे से कान लगाकर सबकी बातें सुना करता। जैसे ही कोई बात करता वो दरवाजे तक रींग जाता और दरवाजे से लग जाता। इब्तदाई दिनों में उसे कोई ऐसी बात ना सुनाई देती जिसमें किसी न किसी तरह उसका जिक्र ना हो। दो दिन तक तो यही बात चलती रही कि अब उन्हें पेश कैसे आना चाहिए, यही बात खाने पर और इसके अलावा भी होती रहती, और हमा वक्त घर पर दो लोग मौजूद रहते कि ग्रेगर की मौजूदगी में घर पर अकेला कोई नहीं रहना चाहता था, और घर को अकेला तो किसी सूरत नहीं छोड़ सकते थे। पहले रोज़ नौकरानी ने, जो कि इस बारे में न जाने कितना जानती थी कितना नहीं, घुटनों के बल गिरकर वालदा से इसी वक्त चले जाने की इजाज़त मांगी, और 15 मिनट बाद जाते हुए उसने उनको आपदीदा होकर अलविदा कहा, जैसे ये उस पर सबसे बड़ा एहसान किया गया हो। उसने बिना किसी के कहे कसम उठाई कि इसके सबब कोई परेशानी नहीं होगी और वो कभी घर की कोई बात बाहर नहीं करेगी। इसके बाद खाना बनाने की जिम्मेदारी वालदा और बहन पर आई, जो इतनी नहीं थी क्योंकि अब सब बहुत कम ही खाते थे। बारहा ग्रेगर इनमें से एक को दूसरे से खाने को कहता सुनता और जवाब में नहीं शुक्रिया मेरा पेट भरा है सुनकर रह जाता। शायद उन्होंने कुछ पीना भी छोड़ दिया था कि अक्सर उसने बहन को वालिद साहब से पूछते सुना कि क्या वो उनके लिए बियर ला सकती है, और वालिद ने मना किया। उन्होंने पहले ही दिन बहन और वालदा को माली हालात और इम्कानात से आगाह कर दिया था। अक्सर व बेशतर वो मेज से उठकर वो संदूक निकालते जो उन्होंने उस कारोबार से बचाया था जिसे डूबे 5 साल हो चुके थे। वो कभी कोई कागजात निकालते, कभी कोई खाता। संदूक खुलने की आवाज़ हर बार सुनाई देती, जो मुश्किल ही से खुल पाता और फिर बंद कर दिया जाता। इसके वालिद की वजाहतें ग्रेगर के लिए इतने अरसे में पहली दिलचस्पी थी। उसने समझा था कि वालिद के पुराने कारोबार का कुछ नहीं बचा। उसके वालिद ने उसे उसके अलावा कुछ बताया भी नहीं, और ग्रेगर यूं भी उनसे इस बारे में कुछ न पूछता। इसका वाहिद मुद्दा किसी भी तरह अपना सब कुछ दाव पर लगाकर ख़ानदान वालों को इस नाकामी के बार से निजात दिलाना थी, जिसने उनको मुकम्मल नाउम्मीदी में धकेल दिया था। और बस तभी उसने बेहद काम करना शुरू कर दिया।
और वो रातों रात सेल्समैन बन गया अगेन, और वो रातों रात सेल्समैन बन गया जिसके पास पैसे कमाने के मौके हों और जिसके काम में कामयाबी फौरन ही पैसों में बदल जाती हो, जिसे मेज़ पर अपने ख़ानदान के सामने उनकी खुशी के लिए डाला जा सकता हो। इतने शानदार दिन दोबारा पलट कर नहीं आए। जल्द ही वो इतने पैसे कमाने लगा कि घर के तमाम खर्चे उठा सके, और फिर घर और ग्रेगर दोनों को इसकी आदत पड़ गई। वो शुक्र गुजारी से ये रकम लेते और ग्रेगर खुशी से देता, मगर ये सब अब बाकी नहीं था। अब एक बहन ही थी जो उसके पास रह गई थी, जिसके लिए उसने सोच रखा था कि अगले साल खर्चे की फिक्र किए बिना वो उसे मुहाफिजत खाने भेजेगा। वो मौसीकी में दिलचस्पी रखती थी और वायलिन बहुत उम्दा बजाती थी। वो अक्सर ग्रेगर से मुहाफिजत खाने का जिक्र करती और वहाँ जाने के ख्वाब सजाती, और इस बारे वालदैन कभी कुछ न सुनते, मगर ग्रेगर ने इस बात को संजीदगी से लिया था और इसका इरादा था कि क्रिसमस पर वो अपना इरादा सबको बताएगा। इसकी मौजूदा हालत में ये बात फजूल इसके दिमाग में आई। जब उसने ख़ुद को दरवाजे के साथ लगाया और बाहर की सुनता रहा, अक्सर वो सुनकर भी कुछ न सुनता और अपना सर दरवाजे पर मारता रहता, मगर फिर जल्द ही खुद को संभाल लेता कि उसकी तरफ से होने वाली हल्की सी आवाज़ भी बाहर मुकम्मल खामोशी फैला देती। वो फिर शुरू हो गया, उसके वालिद क्या थे, और फिर उसके बाद ही गुफ्तगू दोबारा शुरू हो जाती। ग्रेगर ने उनको बारहा अपनी वजाहतों में खुद को दोहराते सुना, कुछ इस वजह से कि उन्होंने अब तवील अरसे से इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं रखा था, और कुछ इस वजह से कि वालदा को ये बातें आसानी से समझ नहीं आती। ग्रेगर को पता चला कि तमाम तर मसाइब के बावजूद पुराने वक्तों का कुछ इंतज़ाम है जो बहुत ज़्यादा तो नहीं मगर गुजारे लायक है। इससे कुछ मुनाफा बराबर मिलता रहा जिसको ताहाल हाथ नहीं लगाया गया, और वक्त के साथ इसमें कुछ इजाफा भी हुआ। इसके सिवा जो पैसे वो घर लाता रहा, जिसमें से कुछ वो अपने लिए रखता रहा, मगर मुकम्मल खर्च नहीं हुआ है, और इसमें कुछ बचत है जो कि थोड़ा सरमाया बन गई है। दरवाजे के पीछे ग्रेगर इस खुशी में सर हिलाता रहा कि बेशक इन इजाफी पैसों को मालिक के हवाले करके वो वालिद के कर्ज से थोड़ा और जल्दी जान छुड़ा पाता, मगर अब ये जाहिर हुआ कि पैसों के जैसे इंतजाम उसके वालिद ने कर रखे थे बेहतर थे। इस वक्त वो रकम इतनी नहीं थी कि इस ख़ानदान का गुजारा मिलने वाले मुनाफे पर होता रहा। ऐसे शायद एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो साल निकल सकें, और फिर बात इस रकम पर आती कि जिसको किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए, जो किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने की नीयत से रखी गई हो। पैसे बहरहाल कमाने ही पड़ते थे। उसके वालिद सेहतमंद थे मगर बूढ़े हो चुके थे, और उन्होंने 5 साल से कोई काम नहीं किया था, सो इन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता था। उनको अपनी नाकाम और परेशानियों से भरपूर ज़िंदगी में इन्हीं 5 सालों की छुट्टी मिली थी, जिसमें उन पर खूब चर्बी चढ़ी थी और वो भारी हो गए थे। क्या अब वालदा को काम करना पड़ेगा जो पहले ही दमे के मर्ज़ में मुब्तला हैं और घर के अंदर ही चलने फिरने से हाँफ जाती हैं, और हर दूसरे दिन खिड़की के पास सोफे पर ढेर होकर सांस बहाल करने की कोशिश करती हैं? क्या इसकी बहन को काम करना पड़ेगा जो अभी सिर्फ 17 साल की है, जिसकी अब तक की ज़िंदगी बस खुद को अच्छे से तैयार करने, घर के कामों में हाथ बटाने और वायलिन बजाते गुजरी? जब बात पैसे कमाने पर आई तो अव्वल तो ग्रेगर ने खुद को दरवाजे से हटाकर ठंडे चमड़े के सोफे पर डाल दिया कि वो शर्मसारी से पसीना पसीना हो चुका था। वो अक्सर रात भर यहाँ पड़ा जागता रहता और चमड़ा खुरचता रहता। वो किसी न किसी तरह कुर्सी को खिड़की तक ले गया था, और अब उसके ज़रिए बाहर जाकर वो ज़रा सा सुकून तलाश कर रहा था जो पहले उसे बाहर झाँकने से मिल जाता था। दिन ब दिन बातें उस पर कम से कम वाजे हो रही थीं, जैसे उसे उस गली पार अस्पताल नज़र नहीं आता था जो उसके वास्ते एक आम और नापसंदीदा नज़ारा था। और अगर इसे इल्म न होता कि वो खामोश देही गली शार्लोट में रहता है, तो उसे ज़रूर बाहर देख कर यकीन हो जाता कि वो किसी खराबे में बसता है जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं, जिसमें खाकी ज़मीन और आसमान ऐसे मदगम हो गए हैं कि इन्हें अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता। उसकी बहन ने कई बार सफाई के दौरान कुर्सी को वहाँ पड़े देखा और उसे वहीं छोड़ने लगे। अब तो वो खिड़की के शीशे भी खुले छोड़ जाती थी। अगर ग्रेगर इससे बात कर सकता और इन मेहरबानियों पर उसका शुक्रिया अदा कर सकता, तो ये इन एहसानात को बर्दाश्त करना इसके वास्ते नस्बतन आसान होता। लेकिन वो इनमें दबा रहा और उसकी बहन इस खजालत को हर मुमकिन हद तक पोशीदा रखती रही।
और वक्त के साथ साथ ऐसा करने में माहिर होती चली गई। मगर वक्त के साथ साथ ग्रेगर को भी सब कुछ ज्यादा तफसील से समझ आने लगा, जैसा कि बहन का कमरे में दाखिल होना इसके वास्ते तकलीफ दे था। अब वो अंदर आते ही खिड़की की तरफ जाती और उसके पट यूं खोलती जैसे उसे घुटन हो रही हो। अब अपने पीछे वो दरवाज़ा भी बंद न करती थी। पहले वो इस बारे बहुत मोहतात थी कि ग्रेगर के कमरे की हालत पर किसी की नज़र न पड़े, और यूं दिन में दो बार वो ग्रेगर को डराती और वो सारा वक्त सोफे के नीचे छुपा थरथराता रहता। मगर फिर भी उसे मालूम था कि वो उसे बखुशी कबूल कर लेती अगर खिड़की खोले बिना इस कमरे में रहना मुमकिन होता जिसमें ग्रेगर रहता है। एक रोज़ करीब एक माह ऐसे ही गुजर जाने के बाद वो मामूल से थोड़ा पहले ही आ गई। ग्रेगर जो अब तक खिड़की पर था साकेत और किसी को डराने के लिए बेहतरीन हालत में था। ग्रेगर को हैरत न होती अगर ऐसे वो अंदर दाखिल न होती। इस वक्त वो उसके और खिड़की के दरमियान यूं हायल था कि वो खिड़की खोल नहीं सकती थी। मगर वो न सिर्फ अंदर दाखिल हुई बल्कि उसने खिड़की भी खोली। कोई अजनबी ये अंदाज़ा लगा सकता था कि ग्रेगर यहाँ उसका मुंतजर था ताकि उसको काट सके। ग्रेगर बहरहाल तेज़ी से सोफे के नीचे सरक गया और दोपहर के खाने का इंतज़ार करने लगा, जिसे लाने वाली अब थोड़ी परेशान लग रही थी, जिससे इसे अंदाज़ा हुआ कि अब महीने से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद भी उसकी ज़ाहरी हालत बहन के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है और शायद कभी ना हो। और यह कि उसे सोफे के नीचे से ग्रेगर के जिस्म का थोड़ा सा हिस्सा देख कर भी वापस दौड़ जाने से खुद को जबरन रोकना पड़ता है। बहन को इस अजियत से बचाने के लिए एक रोज़ ग्रेगर चादर को अपनी पुश्त पर डालकर सोफे के नीचे ले गया, और ऐसा करने में उसे कई घंटे लगे। यूं उसने खुद को मुकम्मल तौर पर छुपा लिया। अब अगर वो झुककर भी देखना चाहे तो उसे नहीं देख पाएगी। अगर ये चादर इसके वास्ते गैर ज़रूरी थी तो वो उसे हटा सकती थी, क्योंकि जाहिर है ग्रेगर को यूं खुद को छुपा रखने में भला क्या दिलचस्पी हो सकती थी। ग्रेगर को लगा कि उसने एक बार चुपके से चादर का कोना उठाकर अपनी बहन को झांकने की कोशिश की तो उसकी आंखों में इस चादर के बीच हायल होने का तशक्कुर था। पहले दो हफ्ते तक तो उसके वालदैन उसे देखने की हिम्मत न कर पाए, और उसने अक्सर सुना कि वो कैसे बहन के मुकम्मल काम से वाकिफ हैं। अब से पहले वो उसे नाकारा समझकर उससे नाराज रहते थे, जबकि अब अक्सर वालिद और वालदा दरवाजे के बाहर खड़े उसका इंतज़ार करते जब वो ग्रेगर का कमरा साफ कर रही होती, और जैसे ही वो बाहर निकलते उसे अंदर की हालत के बारे में उन्हें बताना होता, और ये कि ग्रेगर ने खाना खाया कि नहीं खाया या वो कैसा पेश आया और क्या बेहतरी की कोई हल्की सी उम्मीद है। वालदा हर सूरत में फौरन ग्रेगर को देखना चाहती, मगर बहन और वालिद उनको रोक लेते। पहले पहल तो ऐसी तौजीहात देकर जिन्हें ग्रेगर बहुत गौर से सुनता और तस्लीम भी करता, मगर बाद में इन्हें वालिदा को ज़बरदस्ती रोकना पड़ता। और जब वो रोती कि मुझे अपने बदनसीब बेटे के पास जाने दो, क्यों नहीं समझते कि मुझे उसके पास जाना है, तो ग्रेगर सोचता कि उनको आने देना चाहिए, चलो रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक बार। वो हर बात को बहन से बेहतर समझ सकती थी, जो अपनी तमाम तर हिम्मत और हौसले के बावजूद थी तो बच्ची ही, और आखिरी तजिया यूं भी हो सकता था कि वो हिम्मत और हौसला भी दरअसल उसका बचपन ही हो। ग्रेगर की अपनी वालदा से मिलने की ख्वाहिश को जल्द समझ लिया गया। दिन भर ग्रेगर अपने वालदैन का ख्याल करते हुए खिड़की तक नहीं जाता था, और कमरे में रींगते रहने को ज़्यादा गुंजाइश न थी, और जल्द ही खाने पीने से भी उसका दिल उठ गया था, और उसे रात भर यूं पड़े रहना अजाब लगने लगा था, जिससे बचने को वो दीवार से छत और फिर छत से फर्श तक आता जाता रहता, या फिर तमाम वक्त छत ही से लटका रहता। उसे वहाँ सुकून रहता और खुलकर सांस आता। इस ही सुकून से उसके बदन में थरथरी पैदा होती। ये मुमकिन था कि ऐसे में वो अपना आप छोड़कर धम से फर्श पर आ गिरे, मगर अब वो अपने जिस्म को अच्छी तरह काबू कर सकता था और ऐसी चोट से बचा रहता था। उसकी बहन को जल्दी ग्रेगर की इस नई दिलचस्पी की खबर हो गई कि तमाम दीवारों और छतों पर उसकी टांगों के निशान बन चुके थे, सो उसने ग्रेगर के लिए आसानी पैदा करने की नीयत से कमरे का तमाम सामान बाहर निकालना चाहा जो ग्रेगर के रास्ते में आता था, खासकर अलमारी और लिखने की मेज़। मगर वो ये सब अकेली नहीं कर सकती थी और वालिद से मदद मांगने में घबराती थी। नई नौकरानी भी जो उसकी हम उम्र थी उसके किसी काम की नहीं थी। वो पहले ही तय कर चुकी थी कि उसे बस बावर्ची खाने तक ही महदूद रहना है और ये दरवाज़ा नहीं खोलना है। अलगर्ज वालिद की गैर मौजूदगी में वालदा को अपने साथ मिलाने के सिवा बहन के पास कोई चारा न था,
वालदा इस बात की खुशी मनाती दरवाजे तक आईं, मगर वहां पहुंचकर खामोश हो गईं। पहले बहन ने तसल्ली की कि कमरे में सब ठीक ठाक है, और तभी उसने वालदा को अंदर आने दिया। ग्रेगर ने जल्दी से चादर मजीद लपेट ली। देखने में बस यूं मालूम होता था जैसे किसी ने बस लापरवाही में चादर को सोफे के नीचे फेंका हो। ग्रेगर ने इस मौके पर चादर के अंदर से झांकने से भी इज्तनाब किया। अलगर्ज इस बार इसने अपनी वालदा को देखने से भी खुद को रोका और बस उनकी यहाँ मौजूदगी से खुश हुआ। आ जाइए, वो नजर नहीं आ रहा, उसकी बहन ने कहा और मुबैना तौर पर उनको हाथों से पकड़ के अंदर लाई। अब ग्रेगर ने सुना कि इन दोनों कमज़ोर औरतों ने कमरे से भारी सामान सरकाना शुरू किया, जिसका ज़्यादा बोझ बारह तंबी के बाद भी बहन ने बर्दाश्त किया और इस काम में काफ़ी वक्त लग गया। करीब पौना घंटा बाद ग्रेगर ने वालदा को सुना कि वो अलमारी कमरे में ही रख छोड़ने का कह रही हैं, कि अव्वल तो वो बहुत वज़नी है और वालिद के आने से पहले उसे नहीं हटाया जा सकता, और दूसरा ये कि शायद ग्रेगर को खाली कमरा बुरा महसूस हो, क्योंकि खुद उनके वास्ते भी ऐसा था। ग्रेगर के कमरे को खाली होता देखकर उनका दिल फटा जाता था, और उनके मुताबिक ग्रेगर भी भला ऐसा ही क्यों ना महसूस करे, जबकि इस अरसे उसे कमरे में यही सब देखने की आदत है। वो इन चीज़ों से मानूस है और खाली कमरे से उसको अपने मतरूक और तन्हा होने का ज़्यादा एहसास हो सकता है। क्या ऐसा नहीं, उन्होंने यूं सरगोशी की जैसे वो ग्रेगर से अपनी आवाज़ छुपाना चाहती हों, जबकि वो ये तक नहीं जानती थी कि वो है कहाँ। कि वो नाउमीद हो जाए, कमरा खाली करना उसे ये एहसास दिलाना है कि अब हमारे पास बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं बची, और अब इसका इन्हिसार सिर्फ अपने आप पर ही है। मेरा ख्याल है कि कमरे को वैसे का वैसा छोड़ना ही ज़्यादा बेहतर होता, ताकि जब ग्रेगर हमें लौट कर आए तो उसे सब कुछ वैसा ही मिले। यूं उसे ये मुश्किल वक्त फरामोश करने में भी आसानी होगी। ग्रेगर पर खुला कि किसी इंसानी रابطے के ना होने और इर्द गिर्द खानदान के होते यकसानियत की ज़िंदगी गुजारने से उसकी समझने की सलाहियत कम हो गई है, क्योंकि वो मुकम्मल संजीदगी से खुद को ये नहीं समझा सकता था कि वो वाकई खाली कमरा चाहता है। क्या वो वाकई चाहता था कि इस गर्म कमरे को, जिसको इसकी विरासत में आने वाले सामान से भरा गया है, खाली करके गारनुमा बना दिया जाए जिसमें वो हर तरफ रींगता फिरे? क्या वो वाकई अपना इंसानी माजी इस तरह फरामोश कर रहा है, या फिर ये बस उसकी वालदा की आवाज़ थी जिसे उसने एक मुद्दत से नहीं सुना था, जो उसे सब कुछ याद करवा गई थी? कुछ भी नहीं हटना चाहिए, सब वैसा ही रहना चाहिए, और अगर इस सामान से उसे सिर्फ रींगने में दिक्कत है तो ये भी अच्छा ही है। सिर्फ बहन ही थी जो बदकिस्मती से ऐसा नहीं सोचती थी, और अब वो ग्रेगर के मुतालिकात में वालदेन की निस्बत एक माहिर की सी हैसियत अख्तियार कर चुकी थी। सो वालदा के मुकाबले में उसकी बात ज़्यादा काबिल अमल थी कि कमरे से सोफे के अलावा सब कुछ निकाल दिया जाए। जाहिर है कि इजहार न सिर्फ बचकाना था, बल्कि इसमें इस खुद एतमादी की झलक भी थी जो इसमें ताज़ा ताज़ा आई थी। उसके मुताबिक भाई को रींगने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत हो, और ये साजो सामान उसके वास्ते बिल्कुल बेकार है। इस सब में ग्रेगर की बहन ग्रेट की नौजवान समझदारी का किरदार भी था, जो ग्रेगर की हालत को मजीद तशवीशनाक बनाकर उसकी मजीद मदद करना चाहती थी। जाहिर है ग्रेट के सिवा कोई इस कमरे में दाखिल होने की मजाल नहीं कर सकता था जिसके खाली दर दीवार पर बस ग्रेगर की हुकूमत हो। सो उसने वालदा के कहने पर भी अपना फैसला न बदला, जो इस कमरे में सिर्फ उलझन का शिकार थी। उन्होंने खामोशी इख्तियार करके ग्रेट की मदद की। ग्रेगर अलमारी के बिना तो गुजारा कर सकता था, मगर मेज़ को रहना चाहिए था। ख़वातीन बहुत वक्त के साथ अलमारी को बाहर ले गईं, और इनके जाते ही ग्रेगर ने अपना सर चादर के पीछे से ये सोचते हुए निकाला कि वो इस हद तक मदाखलत कर सकता है, मगर तभी बदकिस्मती से वालदा अकेले ही कमरे में आ गईं, और ग्रेगर ने जल्दी से खुद को चादर में वापस छुपाना चाहा। तब तक वालदा की नज़र उस पर पड़ चुकी थी, और उन्हें ग्रेगर को यूं देखने की आदत नहीं थी। वो सोफे के अंदर खिसक चुका था, मगर वो चादर को हटने से नहीं रोक सका। वालदा ये देख कर सकते में आ गई और थोड़ी देर हक्का बक्का खड़े रहने के बाद ग्रेट की तरफ चली गई। ग्रेगर खुद को याद दिलाता रहा कि मामूल से हटके कुछ भी नहीं हो रहा और सिर्फ सामान यहाँ से वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है, मगर उसे जल्द ही ये तस्लीम करना पड़ा
कि इन खवातीन का यूं अंदर बाहर होना, फर्श पर सामान घसीटने की आवाज और सरगोशियों के फसाद ने उसे सोफे के मजीद अंदर धकेल दिया। उसने अपना सर और टांगे समेट ली और जहां तक मुमकिन था खुद को फर्श से लगा लिया और खुद पर वाजे कर दिया कि वो ज्यादा देर ये सब नहीं सह सकता। वो उसके कमरे का सफाया कर रहे हैं और हर उस शय को उससे दूर कर रहे हैं जिसका वो आदि था। अलमारी वो बाहर घसीट चुके हैं, इसमें ही मेरे सारे औजान, मेरी आरी वगैरह रखी थी और अब वो पढ़ने वाली मेज को अपनी जगह से हिलाने में जुटे हैं, हालांकि वो फर्श से जुड़ी है। इस पर ही मैंने कारोबार के, कॉलेज के, यहां तक के स्कूल के भी तमाम काम किए हैं। इस दम वो इन दोनों खवातीन की नेक नियति समझने की हालत में न था और ना ही उसे उनकी मौजूदगी का कोई खास एहसास रहा था कि वो बहुत खामोशी से अपनी धुन में मगन अपनी मुहिम पर जुटी थीं और वाहिद आवाज अपने भारी कदमों की चाप से पैदा कर रही थी। सो वो बाहर रिंग आया, खवातीन अभी दूसरे कमरे में मेज के ऊपर सस्ता रही थी। उसने चार बार अपनी सिंध बदली कि उसे समझ नहीं आता था पहले क्या बचाए। फिर उसे दीवार पर वो तस्वीर देखी जिसमें एक औरत पोस्तीन में मलबूस उसे देख रही थी और उसकी आंखों में कोई खौफ न था। वो फौरन उस पर चढ़ गया और अपना पेट उसके शीशे से चिपका लिया। शीशा ठंडा था जो उसे अच्छा महसूस हुआ। कम अज कम अब ये तस्वीर जिसे ग्रेगर ने पूरी तरह छुपा लिया था कोई नहीं ले जाएगा। उसने अपनी गर्दन घुमाकर दरवाजे से दाखिल होती खवातीन को देखा जो ज्यादा आराम किए बिना फौरन ही अंदर आ गईं। ग्रेट ने अपनी बाहें वालदा के गिर्द लपेटकर यहां वहां देखते पूछा कि अब क्या ले जाना है, और तब उसकी आंखें ग्रेगर से मिली। उसने वालदा की मौजूदगी में खुद पर काबू रखा और अपना चेहरा उनकी तरफ कर लिया ताकि वो भी ग्रेगर को न देख पाए। बाहर बैठकर थोड़ा सा मजीद आराम न कर लिया जाए, ग्रेट ने लरजती हुई आवाज में तेजी से कहा, और ग्रेगर इसका मकसद समझ गया। वो वालदा को बाहर भेजकर उसे वापस सोफे के नीचे हुशकाना चाहती थी। वो तस्वीर पर उकड़ू बैठ गया। वो कोशिश करके देखे, उसने सोचा वो उसके मुंह पर कूद पड़ेगा, मगर तब तक वालदा की नजर दीवार पर पड़ चुकी थी। ये समझे बिना कि जो बदनुमा दाग उन्हें इस दीवार पर नजर आया है ग्रेगर है, वो चिल्ला उठी और बेहोश होकर उस सोफे पर ढेर हो गई जिसके नीचे ग्रेगर को होना चाहिए था। ग्रेगर तुम, अब बहन चिल्लाई और उसने गुस्से से ग्रेगर को देखा। तब्दीली के बाद ये पहले लफ्ज थे जो उससे बोले गए थे। वो अगले कमरे में स्प्रेड या ऐसा कुछ लेने दौड़ गई जिससे वालदा को होश दिलाया जा सके। ग्रेगर ने भी मदद करना चाहिए मगर वो तस्वीर के शीशे से चिपक चुका था और छूटने को उसे काफी जान लगानी पड़ी। फिर वो भी तेजी से दूसरे कमरे में रेंग गया, ऐसे जैसे उसे बहन को कोई मशवरा देना हो पहले की तरह, लेकिन वहां पहुंचकर उसे बस पीछे खड़ा रहना पड़ा। जब वो मुतअद्दिद छोटी छोटी शीशियां समेट रही थी, पीछे पलटते ही वो दोबारा डर गई और एक शीशी उसके हाथ से छूटकर फूट गई जिसके कांच से ग्रेगर का चेहरा जख्मी हुआ। मगर ग्रेट बिना रुके दोनों हाथों में बाकी शीशियां समेटकर वालदा की तरफ भागी और अपने पीछे अपने पांव से दरवाजा बंद कर लिया। ग्रेगर अब बाहर बंद हो चुका था, अपनी वालदा से दूर जिनकी जान भी जा सकती थी, और ऐसा इसकी वजह से था। वो दरवाजा खोलने से भी कासिर था और अपनी बहन को डरा कर भगा भी नहीं सकता था कि वालदा को उनकी जरूरत थी। ऐसी सूरत में इंतजार के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता था। उसने परेशानी और शर्म के मारे सारे कमरे में तेजी से रींगना शुरू कर दिया। वो दीवारों, छतों, सामान हर जगह दौड़ता फिर रहा था। जब आखिरकार उसके आगे सारा कमरा चकरा कर रह गया और वो मेज के बीचों बीच आ गिरा, और अभी वो वहीं पड़ा था कि बाहर दरवाजे की घंटी बजी। नौकरानी तो बावर्चे खाने में बंद थी, सो वालिद के लिए दरवाजा ग्रेट को ही खोलना था। क्या हुआ? अंदर आते ही उनके पहले अल्फाज थे। ग्रेट की हालत ने उन्हें सब पहले ही बता दिया था। ग्रेट ने घुटी हुई आवाज में कहा, शायद वो अपने वालिद के सीने से लगी थी। वालदा डर के बेहोश हो गई हैं और ग्रेगर खुल गया है, उसने कहा। इसका मुझे अंदाजा था, तुम लोगों को मैंने समझाया भी था मगर खवातीन सुनती ही कब है। ग्रेगर पर वाजे था कि ग्रेट की बात वालिद ने गलत समझी है और समझ रहे हैं कि ग्रेगर ने कोई जुर्म किया है। अब ग्रेगर को अपने वालिद को ठंडा करना था। उसके पास किसी वजाहत के लिए वक्त था न वो ऐसा कर सकता था। सो वो दरवाजे की तरफ भागा और उससे लग गया ताकि आते ही वालिद को पता चले कि वो बस वापस अंदर जाना चाहता है।
और उसे जबरदस्ती धकेलने या उछकाने की जरूरत नहीं है, बस दरवाजा ही खोलना है और वो फौरन अंदर गायब हो जाएगा। मगर अब वालिद इतनी अच्छाई देखने वाले कहाँ थे। आया वो अंदर आते ही यूं चिल्लाई जैसे एक साथ गुस्सा और ग्रेगर को वहां पाकर मुतमईन हो। ग्रेगर ने अपना सर दरवाजे से हटाकर अपने वालिद की तरफ देखा। उसने अपने वालिद का ऐसा तसव्वुर न किया था जैसे वो इस वक्त यहाँ सीधे खड़े थे। जाहिर है उसे रींगते रहने के इस अंदाज ने इतना वक्त ही ना दिया और न पहले उसके पास इतना वक्त था कि वो खुद को हालात में किसी भी किस्म की तब्दीली के लिए तैयार कर पाता। क्या वो अब तक उसके वालिद ही हैं? क्या ये वही हैं जो पिछले दिनों बिस्तर में थके हारे पड़े होते थे जब ग्रेगर कारोबारी सफर पर जा रहा होता था? वही जो शाम को रात के लिबास में आराम कुर्सी में दराज उसका इस्तकबाल करते थे, खड़े होने से मुकम्मल कासिर सिर्फ हाथ के इशारे से अपनी खुशी का इजहार करते, जो कभी कभार हो जाने वाली चहलकदमी में साल के किसी इतवार या किसी अहम दिन की छुट्टी के मौके पर वालदा और मेरे दरमियान से धीरे धीरे गुजरते थे और हम भी सुस्त चल रहे होते थे, मगर वो हमसे ज़्यादा सुस्त अपने कोट में लिपटे हर मरतबा अपनी छड़ी मोहतात अंदाज में टेकते और वही जो बोलना चाहते तो हर बार साकित खड़े होकर अपने मसाहिबीन इर्द गिर्द जमा कर लेते। मगर अब वो तीर की तरह सीधे खड़े थे, सुनहरे बटन वाली नीली कसी हुई वर्दी में जैसे बैंक के नौकरों की होती है। उनकी जैकेट के खड़े कॉलर उनकी दोहरी ठोड़ी को नुमायाँ कर रहे थे और गहरी भवों के नीचे इससे भी गहरी आंखें चौकन्ना और दाग देने वाली थीं। इनके सफ़ेद बाल जो बिखरे रहते थे अब चंपई और सलीके से कड़े हुए थे। उन्होंने अपनी सुनहरे तोगरे वाली टोपी कमरे के तकरीबन बाहर सोफे पर बनी खूंटी पर फेंकी और अपने लंबे कोट को पीछे फेंकते अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले अपने संजीदा तरीन चेहरे के साथ आगे बढ़कर ग्रेगर के सर तक आ गए। ग्रेगर को कोई अंदाज़ा नहीं था उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जब उन्होंने अपना पांव गैर मामूली हद तक ऊपर उठाया और ग्रेगर ये देखकर हैरान रह गया कि उनके जूते का तला कितना बड़ा है। मगर यहाँ ठहरा नहीं कि अपनी तब्दीली के पहले दिन ही वो उनकी कुव्वत से जान गया था, सो वो वहाँ से सिरक गया मगर फिर ये देखकर रुक गया। वालिद बस थोड़ा ही आगे बढ़े हैं, फिर काफ़ी देर वो बिना किसी फैसला कुन कदम के कमरे भर में यूं ही घूमते रहे और इस दौरान ग्रेगर इस डर से ज़मीन पर रहा कि वालिद दीवार या छत पर चढ़ने को बहुत बदतमीज़ी मानेंगे। मगर वो ज़्यादा देर यूं कमरे में रींग भी नहीं सकता था कि जब वालिद एक कदम उठाते उसे मुतअद्दिद उठाने पड़ते और इसका सांस अभी से फूल रहा था। वो पहले भी जल्दी हाँफ जाने वालों में था। वो बमुश्किल अपनी आँखें खोले कमरे में ऐसे लड़खड़ाता फिर रहा था कि उसकी तवनाई कुछ न कुछ बची रहे। वो अपनी बेतौजीही में फरार का भागने के सिवा कोई तरीका न पाता था और भूल चुका था कि दीवार मयसर है। कमरे का फर्नीचर उनके रास्ते की रुकावट था, कोने जगह जगह निकले हुए थे। फिर अचानक उसके पास कोई शय लुढ़कती हुई आई जो उसे मारी गई थी, वो सेब था। इसके फौरन बाद दूसरा भी आकर गिरा। ग्रेगर खौफ से जम गया। अब भागना बेकार था क्योंकि वालिद ने सेबों से बमबारी करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने मेज पर रखे तसले के फलों से अपनी जेबें भर ली और बिना निशाना बनाए ग्रेगर पर जगह बाद दिख रहे सेब फेंकने लगे। फर्श पर यहाँ वहाँ सेब यूं लुढ़कते फिर रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे जैसे स्नूकर की सुर्ख गेंदें। उन्हीं में से एक ग्रेगर की कमर पर धीरे से आकर गिरा और बिना कोई नुकसान पहुँचाए लुढ़क कर फर्श पर आ गया, जबकि उसके फौरन बाद भरपूर कुव्वत से फेंका हुआ एक और ग्रेगर की पुश्त में धंस के रह गया। ग्रेगर ने खुद को वहां से हटाना चाहा, जैसे ये अचानक उठने वाला जानलेवा दर्द हरकत करने से कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो इस जगह गाड़ दिया गया है और वो पूरे होश और हवास के साथ वहीं पड़ा रह गया। अपनी आखिरी निगाह में उसने दरवाजे को खुलते और वालदा को उनके जेर जामा में बाहर दौड़ते देखा। बहन जो अब चिल्ला रही थी उनके कपड़े बेहोशी के दौरान उनके जिस्म को हवा लगाने के वास्ते उतार चुकी थी। वो ग्रेगर के वालिद की तरफ दौड़ रही थी और रास्ते में ही उनकी ढीली स्कर्ट उनके पैरों में आ गई, जिससे उलझकर वो ग्रेगर के वालिद पर जा गिरी और उसी लम्हे ग्रेगर की देखने की सलाहियत मौकूफ हो गई। वालदा ने ग्रेगर की जिंदगी बख्श देने की भीख मांगी।
फ्रांस काफ्का की तवील कहानी मेटामॉर्फोसिस चैप्टर 3। तर्जुमा अम्मार इकबाल। ग्रेगर का मोहलिक जख्म जो एक माह से उसकी जान खींच रहा था और चूंकि किसी ने सेब निकालने की जिसारत नहीं की थी, वो उसके मांस में काबिले दीद तंबीह की मानिंद गड़ा था और वालिद को याद करवाता था कि अपनी मौजूदा करीही और नफरत अंगेज सूरत में भी ग्रेगर अपना है। इससे दुश्मनों वाला सलूक रवा रखना ठीक नहीं। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी कराहत और नफरत कुचल कर उसे बर्दाश्त करें और बस बर्दाश्त करते रहें। अगर इस जख्म से ग्रेगर चलने फिरने रींगने से माजूर हो गया है और उसे कोने से खाने तक आने में कई मिनट लग जाते हैं, दीवारों पर चढ़ने का तो सवाल ही क्या। तो उसके मुताबिक उसकी भरपाई खूब की गई थी, क्योंकि हर रोज शाम के पास कमरे का दरवाजा, जिस पर वो घंटों पहले नजरें जमा लेता था, जरा देर को खोल दिया जाता ताकि वो अपने कमरे की तारीकी से किसी को नजर आए बिना सबको मेज पर रोशनी में देख पाए और उनकी बातें सुन पाए। किसी हद तक इनकी इजाजत से सूरत हाल पहले से खासी मुख्तलिफ थी। ये कोई पुरजोर समाजी मेल जोल न था। इसके बारे ग्रेगर अक्सर छोटे होटलों के कमरों में सोचा करता और थक कर बिस्तर पर ढेर हो जाता। इस वक्त ज्यादातर तो बस खामोशी ही थी और वालिद अपनी आराम कुर्सी से सो चुके थे। वालिदा और बहन कभी कभी एक दूसरे से बात कर लेती थी। वालिदा ने झुके झुके किसी दुकान के लिए जेर जामे सी लिए थे और बहन ने सेल्स गर्ल की नौकरी कर ली थी। वो शाम में मुख्तसर नवीसी और फ्रांसीसी जबान भी सीख रही थी ताकि आगे उसकी नौकरी बेहतर हो सके। कभी कभी वालिद जागते और इस बात से लापरवाह होकर कि वो खाबीदा थे, वालदा से कहते, तुम अब तक कढ़ाई कर रही हो, जिस पर वालदा और वालिद एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। किसी जिद में वालिद अपनी नीली नौकरों वाली वर्दी घर पर भी ना उतारते थे। उनके सोने वाले कपड़े खूंटी पर टंगे रहते और वो वर्दी पहने यूं सो रहे होते जैसे वो जिम्मेदारी उठाने को बिल्कुल तैयार हैं और मालिक की आवाज आए और उठ खड़े होंगे। नतीजतन वालदा और बहन की तमाम तर तदाबीर के बावजूद वर्दी, जो नई तो पहले भी न थी, मजीद गंदी हो गई। ग्रेगर अक्सर पूरी शाम उस ही गंदी वर्दी के सुनहरे बटन देखते गुजार देता था जिन्हें चमका लिया गया था, जिनमें बड़े मियाँ पुरसकून न होने के बावजूद गहरी नींद सोते थे। 10 बजते ही वालदा उनको बहला फुसला कर बिस्तर तक भेजती कि यहाँ वो आराम से नहीं सो पाएंगे और उनको सुबह 6 बजे नौकरी पर जाने के लिए आराम की सख्त ज़रूरत है। मगर अपनी जिद में, जिसे नौकरी ने मजीद पुख्ता कर दिया था, वो कुछ देर और मेज़ पर ही रहने पर तुले रहते, जबकि इन्हें हर बार नींद आ जाती और बहुत मुश्किल से उनसे कुर्सी लेकर उन्हें बिस्तर दिया जाता। तब चाहे वालदा और बहन उन्हें कितना ही बहला लें, वो पौने घंटे तक अपना सर धीरे धीरे हिलाते रहते और आंख बंद किए वहीं पड़े रहते। वालदा उन्हें आस्तीन से खींचती और उनको कान में बहलाई देती। बहन भी अपना काम छोड़कर वालदा की मदद में लग जाती, मगर वालिद पर कोई असर न होता, बल्कि वो इन बहलावों के बाद अपनी कुर्सी में मजीद धस जाते और तभी आंख खोलते जब वालिदा और बहन उन्हें बगलों से उठा रहे होते। वो आगे पीछे दोनों खवातीन को देखते और आदतन कहते, ये है जिंदगी, ये है मेरे बुढ़ापे का सुकून, और दोनों को हटाकर इस मुशक्कत से उठते जैसे कुर्सी से बिस्तर तक का सफर दुश्वार तरीन हो। कमरे तक वालिदा और बहन को साथ आने देते और फिर उनको भेज कर खुद ही आगे बढ़ते। वालिदा अपनी सिलाई कढ़ाई का सामान रख देती और बहन अपना कलम रखकर मजीद मदद करने दौड़ पड़ती। इस मुशक्कत तले दबे मसरूफ खानदान के पास ग्रेगर के लिए परेशान होने का वक्त ही कहां बचता था। घरदारी मुख्तसर से मुख्तसर होती जाती थी। नौकरानी को निकाल दिया गया था और मोटे मोटे कामों की खातिर सफेद बालों वाली कोई बड़ी सी औरत घर आने लगी थी। बाकी चीजें वालदा ने अपने जिम्मे ले ली थी। अपनी कढ़ाई के अलावा भी ऐसा हो चुका कि घर के कई ऐसे जेवरात फरोख करने की नौबत आई जिन्हें त्योहारों और दावतों में वालदा और बहनें बड़े नाज से पहना करती थी। ये भी ग्रेगर को शाम में होने वाली उस गुफ्तगु से पता चला जो उनकी कीमतों पर हो रही थी। मगर सबसे अहम मसला ये था कि वो ये अपार्टमेंट छोड़ नहीं सकते थे, जो
इनकी इस्तात से काफ़ी ज़्यादा था और ग्रेगर को कहीं मुंतकिल करना भी तकरीबन नामुमकिन था। मगर ग्रेगर को कुल्ली तौर पर इस बात का इदराक था कि मामला उसकी मुंतकली का हरगिज़ नहीं है, वो तो बआसानी किसी डब्बे में छेद करके की जा सकती है। असल मसला इस यकीन का है जो ख़ानदान को अपनी ऐसी तबाही का हो चला है जैसी उनके जानने वालों और रिश्तेदारों ने तसव्वुर भी न की होगी। दुनिया के इन गरीबों से जो तवक्कात थी अब बमुश्किल पूरी की जा रही थी। वालिद सुबह बहन के अफसरान को नाश्ता देते और वालिदा अजनबियों के जेर जामे बनाने में सर्फ होती और बहन को गाहक उसकी एड़ियों पर रखते थे। ख़ानदान में अब मजीद बर्दाश्त नहीं बचे थे। ग्रेगर की पुश्त का जख्म फिर हरा हुआ और जब वालदा और बहन वालिद को बिस्तर के सुपुर्द करके पलटी, अपना अपना काम छोड़ा, रुखसार से रुखसार मिलाकर बैठ गई। अब वालदा ग्रेगर के कमरे की तरफ इशारा करके कहेंगी, दरवाज़ा बंद कर दो ग्रेग। ग्रेगर को अंधेरे में धकेल कर दोनों खवातीन फिर अपने आंसू में लाएंगी या खुश्क आंखों से मेज़ को देखती रहेंगी। ग्रेगर अपने दिन रात बिना किसी नींद के गुजारता। उसने अक्सर तसव्वुर किया कि इस बार दरवाज़ा खुलते ही वो ख़ानदान के मामलात पहले की तरह अपने हाथ पे ले लेगा। उसको अरसे बाद मालिकान का ख्याल आया और मातहतों के अहमक तरीन निगरान याद आए। दूसरे कारोबार से दो चार दोस्त, एक सुबाई औरत, एक खुशगवार याद टोपियों की दुकान पर कैशियर लड़की, जिसे वो संजीदगी मगर बहुत गैर नुमाया संजीदगी से करीब कर रहा था, वो तमाम एक साथ उसे अजनबी और आशना सूरतों में याद आए। मगर उसके और उसके घर वालों के मददगार बनना तो कुजा वो मयसर ही नहीं थे, पर उसे उनके गायब होने की खुशी थी और वो ख़ानदान की परवाह कैसे करता कि वो अपनी तरफ से उनकी बढ़ती लापरवाही पर कुड़ रहा था। चाहे उसके गुमान में ऐसा कुछ ना हो जो खाने का उसे मन हो, फिर भी वो मंसूबे बनाता रहता कि नेमत खाने से अपना हक कैसे ले सकता है, चाहे उसे भूख हो या ना हो, ये ख्याल किए बिना कि ग्रेगर अब कैसे खुश होगा। उसकी बहन दुकान जाते हुए खाने को कुछ ना कुछ उसकी तरफ उछाल जाती और शाम को ये देखे बिना कि खाना खा लिया गया है या जूं का तूं पड़ा है, एक ही झाड़ू में उसे उठा फेंकती। कमरे की सफाई का काम जो अब वो शाम में किया करती थी उससे ज़्यादा उजलत में हो नहीं सकता था। दीवारों पर गर्द अटी थी, फर्श पे कूड़ा करकट बिखरा था। पहले पहल ग्रेगर अपनी बहन के आने पर सबसे गंदे कोने में एहतजाज के से अंदाज में जा खड़ा होता, मगर हफ्तों खड़ा ही रहता और बहन के रवैये में कोई तब्दीली ना पाता। वो भी इतना ही कचरा देख सकती थी जितना ग्रेगर, मगर उसने देखकर इस नज़ाकत से जाने दिया जो इसके लिए बिल्कुल नई थी और अब पूरा ख़ानदान ही इसमें मुबतला था। वो इस बात का ख़ास ध्यान रखती कि ग्रेगर के कमरे की सफाई उसी के ज़िम्मे रहे। एक मरतबा वालिदा ने ग्रेगर के कमरे की सफाई मुकम्मल कर दी थी जो वो पानी की दो बाल्टियों से ही कर पाई, जिनके सबब फर्श बहुत गीला रहा और नमी के बायस कई रोज़ तक ग्रेगर ढीला, बेखबर, नीम बेहोश पड़ा रहा। मगर इस गलती की सज़ा वालदा को उस ही शाम मिल गई थी जब ग्रेट भागती हुई ग्रेगर के कमरे से निकली थी और वालदा पर उसका हाथ उठने तक बरस पड़ी थी। उसे रोने का दौरा पड़ा था और वालिदैन उसे देखकर हक्का बक्का थे और फिर वो उलझ गए। वालिद जो भी आराम कुर्सी से उठे थे वालदा की तरफ मुड़कर बोले कि अब कमरे की सफाई का काम ग्रेट से कोई नहीं लेगा, और फिर बाएं तरफ मुड़कर ग्रेट से कहने लगे, अब इस कमरे की सफाई करने की इजाज़त नहीं है। वालिदा उनके जज्बात को अपने पीछे छुपा रही थी जब ग्रेट गिरियाउजारी की थकन अपनी नन्नी नन्नी कलाइयां मेज पर मार कर उतार रही थी। इस दौरान ग्रेगर गुस्से में भिनभिनाता रहा कि किसी को कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसे इस तमाशे से निजात दिलवाने का ख्याल क्यों नहीं आता। लेकिन अपने रोज़मर्रा से उसकी बहन के थक कर ग्रेगर का पहले जैसा ख्याल न रखने और उसकी जगह वालदा के ना लेने के बावजूद ग्रेगर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अब सफाई वाली बुढ़िया थी। ये बूढ़ी बेवा अपनी इन्हीं हड्डियों के दम पर ज़िंदगी की बदतरीन मुश्किलात का सामना कर चुकी थी। ग्रेगर से कुछ ख़ास खौफजदा न थी। बिना किसी तजस्सुस के उसने एक रोज़ इत्तेफाकन ग्रेगर का कमरा खोल लिया था। ग्रेगर को देखकर जो चौक के इधर उधर भागने की सही लासिल में था, जब कोई उसका पीछा भी ना कर रहा हो वो पेट पे हाथ बांधे अपनी जगह खड़ी उसे घूरती रही। उसके बाद से वो चोरी छुपे रोज़ एक आध बार ग्रेगर का दरवाज़ा खोलकर उसे देख जाती। वो कभी कभी उससे
इस अंदाज में मुखातिब भी हो लेती जो उसके मुताबिक दोस्ताना था, जैसे इधर आ बुड्ढे कीड़े, या फिर देखो देखो बूढ़ा मकोड़ा देखो। ग्रेगर इस तखातुब को खातिर में ना लाता और यूं पड़ा रहता जैसे दरवाजा खुला ही ना हो। इस बूढ़ी औरत के अपनी मर्जी से बार बार झांकने के अलावा भी उन्होंने रोजाना कमरे की सफाई उसके सुपुर्द कर रखी थी। एक सुबह जब खिड़की पर वैसे ही बारिश बरस रही थी जो शायद बाहर की आमद बता रही थी, उसकी उसी यकतरफा गुफ्तगू के दौरान ग्रेगर उस पर यूं पलट पड़ा जैसे हमला करने को है, मगर उसने डरे बिना नजदीक रखी कुर्सी उठाई। अब कुर्सी उठाए और मुंह खोले ग्रेगर के सामने खड़ी थी और इस अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि यह मुंह तब ही बंद होगा जब वो कुर्सी ग्रेगर की पुश्त पर दे मारेगी। इससे आगे नहीं, उसने ग्रेगर से कहा। ग्रेगर वापस घूमा और उसने कुर्सी आराम से नीचे रख दी। ग्रेगर अब कुछ ना खाता था, बस कभी खेल करने को अपने खाने से लुकमा भर घंटों मुंह में लिए बैठा रहता था और फिर उसे उकता कर फेंक देता। अव्वल अव्वल उसे लगा कि ये सब इस उदासी के सबब है जो इस पर कमरे की हालत की वजह से तारी है, मगर इसका मदावा जल्द हो गया कि अब लोग कभी कभार घर की वो अशिया वहां फेंक देते जिनका घर में कोई काम ना होता था और कहीं रखी ना जा सकती थी। अब तक ऐसी कई चीजें कमरे में आ चुकी थी और अब जबकि वो घर का एक कमरा तीन किरायेदारों को दे चुके थे, ये अजाब जिनकी दाढ़ियां ग्रेगर ने दरवाजे की दरार से देखी थी, सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखते थे, न सिर्फ अपने कमरे में बल्कि पूरे घर में और खासकर रसोई में जहां उन्हें ऐसा वैसा कुछ भी मंजूर न था। इससे बढ़कर वो अपने साथ कुछ सामान भी लाए थे, सो घर की बहुत सी चीजें इजाफी हो गई थी जो ना तो काबिल फरोख थी ना ऐसी जिन्हें फेंक दिया जाता, सो वो इस कमरे में डाल दी जाती। यहां तक के खाकदान और रसोई का पुराना कचरेदान तक काम करने वाली कभी कभी कुछ ग्रेगर के कमरे में उछालती गुजर जाती और खुशकिस्मती से अब तक ग्रेगर हाथ और वो मखसूस शय देख लेता। शायद सफाई करने वाली की नियत कभी वक्त और मौका मिलने पर कमरे की सफाई करने या सब सामान बाहर उठाकर फेंकने की रही हो, मगर हकीकत में तो सब वहीं था जहां फेंका गया था। जब तक ग्रेगर उनके दरमियान से जगह बनाता उनको सरकाता गुजर ना जाता। अव्वल अव्वल तो उसे ऐसा मजबूरन करना पड़ा कि कमरे में रेंगने तक की गुंजाइश नहीं थी, मगर बाद में ऐसा करने में मजा आने लगा। चाहे कई बार ऐसा करने के दौरान वो हांप कर रह गया और घंटों जुम्बिश भी ना कर पाया। किराएदारों के मेज पर ही नाश्ता करने के सबब दरवाजा अब कम ही खुलता, मगर अब बंद दरवाजे से ग्रेगर को कोई शिकायत न थी और अब तो वो खुले दरवाजे को भी खातिर में ना लाता था। एक मरतबा सफाई करने वाली दरवाजा हल्का सा खुला छोड़ गई और किराएदार शाम के खाने पे उस ही मेज पर अपने दस्तरखान बिछाकर छुरी चमचे निकालकर बैठ गए जिस पर ग्रेगर के वालदेन और बहन बैठा करते थे। रोशनी भी थी तभी दरवाजे से वालदा बहुत सा गोश्त और उनके पीछे बहन आलू से भरा बर्तन लेकर आई। खाने से बहुत भाप उठ रही थी। किराएदार खाने से पहले जायजा लेने के अंदाज में पलेटों पर झुके और उनमें से एक ने जो दरमियान में बैठा था और सब में ज्यादा मुअज्जिज़ मालूम होता था प्लेट ही में मौजूद गोश्त का टुकड़ा काटकर अंदाजा लगाया कि वो गल चुका है या दोबारा रसोई में भिजवाने वाला है। उसके मुतमईन होने पर वालदा और बहन ने जो अब तक मुतजस्सिस निगाहों से उन्हें देख रही थी सुख का सांस लिया और उनकी मुस्कुराहट बहाल हुई। खानदान खुद रसोई में खाना खाता जहां आने से पहले वालिद कमरे का एक चक्कर लगाते और वो तीनों एहतरामन खड़े होकर कुछ बड़बड़ाते और वालिद के जाते ही खामोशी से अपने खाने में मसरूफ हो जाते। बाकी आने वाली तमाम आवाज़ों में जिस आवाज ने ग्रेगर को सबसे ज्यादा तंग किया था वो खाने के दौरान इनके दांतों की थी, कि जैसे उसे बावर कराया जा रहा हो कि इंसान को खाने के लिए दांत चाहिए होते हैं। सो हसीन तरीन जबड़ा भी बिना दांतों के फजूल है। मुझे वाकई भूख लगी है, ग्रेगर ने खुद से कहा, मगर इन चीजों की हरगिज नहीं जो ये ठूंस रहे हैं और मैं यहां मर रहा हूं। इसी शाम ग्रेगर को काफी अरसे बाद रसोई से वायलिन की आवाज आई। किराएदार खाना खा चुके थे और दरमियान वाले ने अखबार उठा लिया और एक एक सफा इन दोनों को भी दे दिया था। अब वो सब टेक लगाए बैठे थे। वायलिन की मधुर आवाज पर सब चौकन्ने होकर दबे पांव दरवाजे तक आए और एक दूसरे से लग के खड़े हो गए। शायद उन्हें सुन लिया गया क्योंकि वालिद की आवाज आई, शायद मेहमान परेशान हो रहे हैं, बंद करो इसे। मगर इसके बरक्स उन्होंने कहा
कि क्या यह बेहतर ना होगा कि नौजवान खातून बाहर तशरीफ ले आएं और यहां बेहतर माहौल में वायलिन बजाएं। वालिद ने यूं शुक्रिया अदा किया जैसे वायलिन वो बजा रहे थे। वो अफराद वापस अपनी जगह पलट कर इंतजार करने लगे और कुछ ही देर बाद वालिद, वालदा और बहन भी आ गई। वालिदा के हाथ में कागजात थे जिन पर मौसीकी की धुनें रही होंगी और वालिद के पास स्टैंड, बहन के हाथ में वायलिन था। बहन सब कुछ ठीक करने में लग गई और वालिदैन, जो पहली बार घर किराए पर देने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा अखलाकियात बरत रहे थे, अपनी ही कुर्सियों में बैठने से शर्मा रहे थे। वालिद साहब दरवाजे से टेक लगाकर अपना बाजू अपनी वर्दी के बटनों में रख कर खड़े हो गए और वालिदा ने वो कुर्सी तशक्कुर से कबूल कर ली जो उनमें से एक ने उन्हें पेश की थी। और चूंकि कुर्सी वहीं रखी रही जहां रखी गई थी, वो दूसरे किनारे बैठी अपनी बेटी को सुनती रही। दोनों तरफ से वालिद और वालिदा की नज़रें बहन के हाथों की उंगलियों पर थीं। जब उसने वायलिन के तार छेड़े और उस धुन पर ग्रेगर भी मस्त होकर जरा आगे तक आ गया। उसका सर कमरे से बाहर आ चुका था। वो सोचता कि अब उसे किसी की परवाह नहीं है, जबकि पहले उसे अपनी इस ही परवाह पर मान था और ठीक इसी सबब उसे इस वक्त छुपे रहना चाहिए था, क्योंकि कमरे में जमी गर्द के बाइस जो उसकी हल्की सी जुम्बिश पर भी उड़ती थी, उसकी पुश्त मुकम्मल गर्द से अटी थी और किनारों पर झाड़ झनकार और बासी खाना अटका हुआ था। और इर्द गिर्द के माहौल में उसकी ऐसी इनफरादियत उसे हरगिज वहां पड़ा रहने या साफ कालीन पर रेंगने की इजाजत न देती थी जैसा कि वो पहले करता था। अपनी इस दुर्गत के बावजूद उसे कमरे के शफाफ फर्श पर आगे खिसकने में कोई झिझक न थी और वो तीनों ग्रेट के पीछे उसकी जरूरत से ज्यादा नजदीक खड़े मौसीकी के कागजात पर झुककर कुछ देख रहे थे, जिससे ग्रेट उलझन में आई और वो परे होकर खिड़की के पास आपस में कुछ खुसर पुसर करने में मगन हो गए। वालिद की नजरें उनकी एक एक जुम्बिश पर थीं। अब ये वाजह था कि उनकी एक हसीन लड़की से वायलिन की खूबसूरत धुन सुनने की तवक्का पूरी न हुई थी और अब वो इखलाकन ही अपना सुकून बर्बाद करवा रहे थे। और जिस तरह अपने नथनों से वो सिगार का धुआं निकाल रहे थे, उससे साफ पता चल रहा था कि अब वो उलझ रहे हैं। बहन अब तक बहुत उम्दा वायलिन बजा रही थी। उसने गर्दन घुमाकर उदासी से अगली तरफ देखा। ग्रेगर मजीद आके खिसकता आ रहा था, अपनी गर्दन इस उम्मीद पर फर्श के साथ लगाए कि शायद बहन की नजर उससे मिल जाए। क्या वो ऐसी बला था जिन पर मौसीकी सहर तारी कर देती है? उसे लग रहा था जैसे उसको मुद्दतों से यही मतलूब था। वो मुसर था कि उनके सामने से गुजर के अपनी बहन तक जाए और उसका लिबास पकड़कर उससे कहे वो अब भी उसके कमरे में वायलिन बजाने आ सकती है, क्योंकि उनमें उसके आर्ट का कोई कदरदान नहीं है। वो अब उसके कमरे से जाने की ख्वाहिश तदमे मर्ग नहीं करेगा। इसकी बेहाना सूरत पहली बार किसी काम आई। वो कमरे के दोनों दरवाजों पर पहरा देना चाहता था और घुसपेटियों को काट भगाना चाहता था, मगर उसकी बहन ऐसे रहने पर मजबूर नहीं हो, इसकी मर्जी हो। वो चाहता था कि बहन उसके साथ सोफे पर बैठकर कान उस तक लाए और वो उसे बताए कि उसने उसे महाफजत खाने भेजने का इरादा किया हुआ था। अगर ये मुसीबत आड़े ना आती तो वो क्रिसमस पर यह खुशखबरी उस सबको सुनाता। क्या क्रिसमस आकर गुजर भी गया और पता भी नहीं चला? इस वजाहत के बाद बहन रो पड़ती और वो ऊंचा होकर उसकी गर्दन पर बोसा देता, जिसे वो तब से खुला छोड़ने लगी है जब से नौकरी पर जा रही है। सामसे साहेब, इनमें से एक ने ग्रेगर के वालिद को पुकारा। उसकी उंगली धीरे धीरे आगे सरकते ग्रेगर की तरफ थी। वो मजीद कुछ नहीं बोला, वायलिन खामोश हो गया। दरमियान वाले ने मुस्कुराकर अपना सर हिलाया, फिर ग्रेगर की तरफ देखा। ग्रेगर को बंद करने से ज्यादा वालिद को उन्हें मुतमईन करना जरूरी लगा। हालांकि वो बज़ाहिर मुतमईन लग रहे थे और वायलिन से ज्यादा ग्रेगर की मौजूदगी में दिलचस्पी ले रहे थे। वालिद इन्हें इन्हीं की जगह धकेलने लगे और ग्रेगर को अपने पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगे और इन तीनों ने नागवारी का इजहार किया। न जाने वालिद के ऐसा करने पर या इस इत्तला पर जो उनको अभी मिली कि उनकी अब तक यहाँ रिहाइश के दौरान के साथ ग्रेगर जैसा पड़ोसी भी था, उन्होंने वालिद से वजाहतें मांगी। हाथ लहरा लहरा कर अपना मुद्दा बयान किया और अपनी दाढ़ियों को उलझन के इजहार में खुजाया और वापस अपने कमरे में चले गए। इस दौरान बहन पर अचानक नाजिल होने वाली तन्हाई ने उसे जज्बाती कर दिया
और वायलन और उसकी छड़ी को यूं ही हाथ में पकड़े कागजात को घूरती रही जैसे अब तक बजा रही हो। फिर वो यकदम उठी, वायलन और छड़ी वालदा की गोद में फेंक कर किराएदारों से पहले कमरे में पहुंच कर उनके बिस्तर महारत से लगाने लगी। वालिद अब तक परेशानी के आलम में मेहमानों की इज्जत भूल कर उनको कमरे में धकेलने की कोशिश में थे, जिसका अब कोई फायदा न था। और दरवाजे पर पहुंच कर तीसरे वाले ने अपना पांव पटक कर ये सब रोका। मैं वाजे कर देना चाहता हूं, उसने वालिद और वालदा को बारी बारी देखते कहा, कि घर और खानदान की इस नागुफ्ता हालत को देखने के बाद मेरा यहां रहना मुमकिन नहीं। उसने फैसला खून अंदाज में फर्श पर थूका। जितने दिन मैंने यहां गुजारे उनकी मैं कोई कीमत अदा नहीं करूंगा, बल्कि सोचूंगा कि आप लोगों के साथ कोई कानूनी चाराजोई करनी है या नहीं। फिर वो खामोश होकर आगे ताकने लगा जैसे किसी का मुंतजर हो, और फौरन ही बाकी दोनों कहने लगे, हम भी। और फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। वालिद किसी न किसी तरह अपनी कुर्सी तक पहुंचे और वहां ढेर हुए। उन्हें देखकर यूं लगता था जैसे वो रात की नींद में अंगड़ाई ले रहे हों, मगर उनका शिद्दत से हिलता सर बता रहा था कि ऐसा नहीं है। ग्रेगर अब तक उस ही मकाम पर पड़ा था जहां उसे देखा गया था। इस भूख में, इस नाउमीदी और अपने मंसूबे की नाकामी ने उसे शल कर दिया था। उसे एहसास था कि जल्द उस पर अजाब टूटने वाला है। वो मुंतजर था। वो तब भी नहीं चौंका जब वालिदा की गोद से वायलन झन करके गिरा। प्यारे वालदैन, बहन ने मैं इस पर हाथ मार के खामोशी तोड़ी, ऐसे तो नहीं चल सकता। शायद आप लोग ये बात नहीं समझ रहे, मगर मैं समझ रही हूँ। मैं अब इस हैवान के आगे अपने प्यारे भाई का नाम नहीं लूंगी, और बस इतना कहूँगी कि हमें इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए। हमसे इंसानियत के नाते जितना बन पड़ा, हम इससे ज़्यादा कर चुके हैं, और मुझे यकीन है कि कोई हम पर ज़रा तनकीद नहीं कर सकता। वालिदा, जो खांसी के बाइस बोल नहीं पा रही थी, अपना हाथ अपने मुंह पर और आंखों में दीवानगी सजाए बस देख रही थी। बहन ने उन तक पहुंचकर उनकी पेशानी चूमी और वालिद को उसके अल्फाज से कुछ सुझाई दिया। वो उठ बैठे और अपनी टोपी के तोहरे से खेलते हुए बार बार ग्रेगर को देखते रहे, जो वहीं साकित पड़ा था। ये ठीक है, हमें इससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, बहन ने अब वालिद से फैसला कुन लहजे में कहा, क्योंकि वालिदा को अपनी खांसी के दौरे के सबब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। यह आप दोनों को मार रहा है, मैं समझ रही हूं। जब लोगों को इतनी मुशक्कत सहनी पड़े जितनी हम सहते हैं, तो वो भी उसे घर में बर्दाश्त न करें। मैं अब ऐसे हरगिज नहीं रह सकती। और फिर ऐसा फूट फूट कर रोने लगी कि उसने वालिदा का चेहरा भिगा दिया। बेटा, वालिद नरमी से बोलने लगे, फिर हमें क्या करना चाहिए? और उसने अपने कंधे इस खजालत से उचकाए जो उसकी पिछली खुद एतमादी के बरक्स रोने के दौरान उसने हासिल की थी। अगर वो हमें समझ सकता, वालिद ने नीम सवालिया अंदाज में कहा, और बहन ने अपनी हिचकियों के दौरान पूरी तवानाई से अपना हाथ हिलाकर इस इम्कान को रद्द किया। अगर सिर्फ वो हमें समझ सकता, वालिद ने आंखें बंद करके गैर मुमकिन होने के इल्जाम को जज्ब करते हुए अपनी बात दोहराई, तो उसके साथ कोई समझौता करना मुमकिन भी होता, मगर अब इससे जान चुकाइए, बहन चीखी। यही वाहिद हल है कि आप इसके ग्रेगर होने के तसव्वुर से जान छुड़ाएं। हम सब बदकिस्मती से अब तक इसी को हकीकत मानते रहे, मगर वो ग्रेगर कैसे हो सकता है? अगर ग्रेगर होता तो बहुत पहले भांप जाता। इंसानों के दरमियान ऐसे हैवान की जिंदगी मुमकिन नहीं है, और खुद ही कहीं चला जाता तो हमें जीने में दिक्कत ना होती, और हम इसकी इज्जत और मोहब्बत करते जीते रहते। मगर ये जानवर हम पर काबिज है, इसने हमारे किराएदार भगा दिए हैं, बहुत जल्द सारा घर इसका होगा और हम गली में पड़े होंगे। देखें वालिद, वो फिर हिल रहा है। वो अचानक ग्रेगर की तरफ इशारा करके चिल्लाई और यूं अपनी माँ को छोड़कर दौड़ी आई जैसे उसका ग्रेगर से खौफ वालिद से उसकी मोहब्बत पर हावी हो, और वालिद के पीछे आ छुपी। वालिद जो उसकी चीख पर जज्बाती होकर उठ खड़े हुए, हाथ उठाकर उसका बचाव करने लगे, मगर ग्रेगर का किसी को, खासकर ग्रेट को कोई नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा न था। वो तो बस अपने कमरे की तरफ पलटने की ख्वाहिश में अपने मफलूज बदन को अपने सर की मदद से घुमा रहा था और उसे एक तरफ बार बार झटक रहा था। कई बार जमीन पर अपना सर पटक के उसने
इर्द गिर्द देखा, उसकी नेक नियति समझ ली गई थी और अब सब उसे अफसोस और खामोशी से देख रहे थे। वालिदा अपनी आंखें और टांगें सख्ती से बंद किए पड़ी थी, वालिद कुर्सी पर और बहन उनकी गर्दन में बाहें डाले बैठी थी। अब शायद मैं खुद को कमरे की तरफ घुमा पाऊं, ग्रेगर ने कहा और एक बार वही अमल दोहराया। इस कोशिश में वो बार बार हांप कर रुक जाता, कोई उसे कुछ कह नहीं रहा था और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। जब वो कमरे की तरफ घूम चुका तो आगे बढ़ने लगा। उसे यहां से कमरे तक के फासले पर हैरत हुई कि इतनी कमजोरी में वो पहले इतना फासला कैसे तय कर गया। कमरे के अंदर रिंग जाने की कोशिश में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि पीछे से ना किसी के रोने की आवाज आई ना कुछ और। कमरे में पहुंचकर ही उसने अपनी गर्दन को जरा घुमाया जो अब अकड़ चुकी थी और देखा कि उसके पीछे कुछ नहीं बदला, सिर्फ बहन उठ खड़ी हुई है और मां के सामने से गुजर गई। वो बमुश्किल ही मुकम्मल कमरे में आ पाया हुआ कि दरवाजा पूरी कुव्वत से बंद हुआ और ग्रेगर अपने पीछे मचने वाली इस तबाही पर हक्का बक्का रह गया, ऐसा कि उसका बदन सुकड़ कर रह गया। ये उसकी बहन थी जो ऐसी उजलत में थी। वो खड़ी हुई, मुंतजर रही और फिर आगे को हुई। ग्रेगर ने अब तक उसे नहीं सुना था। आखिरकार वो चिल्लाई और उसने दरवाजे के ताले में चाबी घुमा दी। अब क्या, ग्रेगर ने अपने आप से पूछकर इर्द गिर्द तारीकी में देखा। उसे जल्द ही पता चल गया कि अब वो कोई हरकत नहीं कर सकता। उसकी इसे कोई हैरत न थी, बल्कि इसके बरक्स वो इस बात पर हैरान था कि इन कमजोर टांगों के बल वो इतना भी कैसे रींगता फिरा। दर्द तो उसके तमाम बदन में रहता था, मगर टांगों के बारे में उसे खास एहसास था कि वो रफ्तार रफ्तार जवाब देती जा रही हैं और जल्द बिल्कुल मफलूज हो जाएंगी। उसकी कमर में धंसा सेब और इसके इर्द गिर्द जमी गर्द का उसे कम ही एहसास था। उसे अपने ख़ानदान का ख्याल और मोहब्बत याद थे और गायब हो जाने के बारे में वो खुद अपनी बहन से ज़्यादा संजीदा था। वो रात 3 बजे तक इन्हीं मिले जुले जज्बात में रहा और अब जब खिड़की में पाँव फटने को थी, उसकी गर्दन बिना चाहत मुकम्मल ढलक गई और नथनों में मौजूद आखिरी सांस भी आज़ाद हुई। सुबह सवेरे सफाई करने वाली आई और अपनी तवानाई में सब दरवाजे खटका गई, एकदम उसी अंदाज में जिससे उसे लोगों ने मना किया था। उसके आ जाने पर घर में किसी का सोना गैर मुमकिन था। ग्रेगर के पास अपने मामूल के चक्कर में उसने कुछ भी गैर मामूली महसूस ना किया। वो समझी कि ग्रेगर बस खफगी का नाटक करने को ऐसे पड़ा है और उसने समझने का मुकम्मल नाटक किया और अपने लंबे झाड़ू से दरवाजे पर खड़े रहकर उसे गुदगुदाया। जब कुछ ना हुआ तो उसने गुस्से में वही झाड़ू जरा जोर से ग्रेगर को चुभोया और अब भी कोई हरकत न पाकर वो चौकन्नी हो गई और हकीकत का पता चलते ही उसने अपने दीदे फाड़ कर सीटी बजाई और थोड़ी ही देर में दरवाजे को चौपट खोलकर चिल्लाने लगी, आओ आओ देखो इसका काम हो गया, वो यहां बुझा पड़ा है। सामसा जोड़ा अपने बिस्तर में उठ बैठा और बात समझने से पहले उसने सफाई वाली के खुद पर काबू पाया, मगर फिर मोहतरम और मोहतरमा सामसा बिस्तर के एक एक कोने से उतरकर कमरे तक आए। वो इस हालत में ग्रेगर के कमरे तक आए कि जनाब सामसा के कंधों पर बिस्तर की चादर और साहिबा रात के लिबास में थी। इसी दौरान ग्रेट भी आ गई, वो मुकम्मल लिबास में थी, जैसे तमाम रात सो न सकी हो। उसका चेहरा भी यही बताता था। मर गया? सामसा साहिबा ने नौकरानी से सवाल किया, जबकि वो खुद बढ़के देख सकती थी और समझ सकती थी। मुझे यही लगता है, उसने जवाब दिया और सबूत के तौर पर ग्रेगर को झाड़ू से अच्छा खासा सरका दिया। साहिबा ने ऐसी हरकत की कि जैसे बढ़के झाड़ू रोक लेंगी, मगर उन्होंने ऐसा ना किया। अब हम खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं, सामसा साहिब ने कहा। उसने अपने सीने पर इशारे से स्लेब का निशान बनाया और तीनों औरतों ने भी यही किया। ग्रेट, जिसकी नजरें नाश से ना हट रही थी, कहने लगी, देखो कैसा पतला दिखता है, जैसे कई रोज से कुछ ना खाया हो। जो गजा यहां जाती थी वैसी ही वापस आ जाती थी। ग्रेगर का जिस्म बिल्कुल खुश्क और जमीन से चपटा था, यूं भी अब वो अपनी टांगों पर नहीं था। सामसा साहिबा ने ग्रेट को बाहर बुलाया और ग्रेट पलट कर देखे बिना कमरे से निकल आई। सफाई करने वाली ने दरवाजा बंद करके खिड़की खोल दी। आज सुबह हवा में थोड़ी तपिश थी,
मार्च बस खत्म हुआ ही था, तीनों किराएदार कमरे से निकलकर अपना नाश्ता तलब कर रहे थे। सफाई करने वाली इन्हें खामोश कराकर ग्रेगर के कमरे में ले गई, जहां वो अपनी जेबों में हाथ डाले लाश के इर्द गिर्द खड़े हो गए। इतने में सामसा साहेब अपनी वर्दी पहने बाहर निकले। इनकी एक तरफ इनकी बीवी और दूसरी तरफ बेटी थी। तीनों ही कुछ रोए हुए से थे जब ग्रेड ने अपने वालिद का हाथ अपने चेहरे पर दबाया और वालिद ने निकल जाओ हमारे घर से कहते हुए बढ़कर दरवाजा खोल दिया। क्या मतलब है तुम्हारा, दरमियान वाले ने झूठ मूठ मुस्कुराकर कहा। बाकी के दोनों अपने हाथ पीछे बांधे खड़े रहे, ऐसे जैसे किसी झगड़े का फैसला अपने हक में होने के मुंतजर हो। मैंने वही कहा है जो आपने सुना, सामसा साहब जवाब देकर अपनी खवातीन तक आ गए और वो फर्श को यूं घूरने लगा जैसे अपने जहन में आगे पेश आने वाले मामला तय कर रहा हो। ठीक है फिर हम चलते हैं, इतना कहकर वो सामसा साहब की तरफ मुंतजर निगाहों से देखता रहा और उन्होंने बस अपनी आंखों से बाहर की तरफ इशारा किया और किराएदार लंबे लंबे डाक भरते घर से निकल गए। इसके पीछे ही बाकी दोनों भी इसी तरह तेजी से चल पड़े जैसे उन्हें खौफ हो कि सामसा साहब उनको उनके रहनुमा से जुदा ना कर दें। जाते जाते उन्होंने अपने कोट और टोपियां समेटी, छड़ी ली और सलाम करके चल पड़े। एक भी बुनियाद शुबे पर सामसा साहब ने तीनों को अगली तरफ बढ़कर गायब होते और फिर दोबारा नमूदार होते थे का। और फिर जितनी उन्होंने कोशिश की सामसा खानदान ने इतना ही उन्हें रद्द किया। और जब कसाई अपने सर पर ट्रे लादे उनसे मिलने ऊपर आया तब सामसा साहब ने अपनी खवातीन के साथ जीना छोड़ा और ऐसे जैसे वो अपने घर वापसी पर बेहद मुतमईन हो। उन्होंने आज का दिन आराम और चहलकदमी करने को वक्फ किया। न सिर्फ ये कि उनको काम से छुट्टी मिली थी बल्कि उन्हें इसकी अशद ज़रूरत भी थी, लिहाजा वो मेज पर बैठे और उन्होंने तीन माजरती खतूत तहरीर किया। सामसा साहिब ने अपने सुपरवाइज़र के नाम, साहिबा ने अपने घाघ और ग्रेट ने अपने मालिक के नाम। इसी दौरान सफाई करने वाली ने आकर रुख्सत मांगी कि उसका काम हो चुका था। तीनों ने लिखाई के दौरान बस गर्दन हिलाई मगर वो ना टली। सामसा साहिब ने जिनकी वो ताहाल इज्जत करती थी पूछा कि अब क्या हुआ, तो वो यूं मुस्कुराती रही जैसे कोई कारनामा किए खड़ी हो और जब तक उससे साफ पूछा ना जाएगा नहीं बताएगी। उसके सर में सजा शुतुरमुर्ग का पर लहरा लहरा कर साहिबा को यूं ही तंग कर रहा था जैसे करता आया था। अच्छा भाई अब चाहिए क्या तुमको, साहिबा ने तंग आकर पूछा। ऐसा है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कि अगले कमरे में पड़ी गंदगी आपको फिक्र नहीं करनी, इसका माकूल इंतजाम कर लिया गया है। दोनों खवातीन सर झुकाकर लिखने में मसरूफ हो गई और साहब ने ये देखते हुए कि अब वो वजाहत से एक एक चीज बताने को पर तोल रही है हाथ उठाकर उसे टोका। वो इस बात पर बेइज्जती महसूस करती तेजी से पलट गई। जाते हुए उसने दरवाजा जोर से बंद किया। आज शाम इसकी भी छुट्टी कर देंगे, साहिब ने कहा, मगर बेगम और बेटी की तरफ से कोई जवाब न पाया क्योंकि सफाई करने वाली ने इन्हें एक बार फिर परेशान किया था। वो खिड़की तक गए और एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। सामसा साहब अपनी कुर्सी से उनको देखते रहे और फिर बोले, अच्छा यहाँ आओ और अब आखिरकार पुरानी चीज़ों से जान छुड़ाओ और मेरा ज़रा तो ख्याल करो। खवातीन दोबारा उस तक आ गईं और अपनी लिखाई मुकम्मल करने लगीं। फिर वो तीनों इकट्ठे बाहर निकल गए, ऐसा उन्होंने महीनों बाद किया था। उन्होंने ट्राम पकड़कर शहर से बाहर खुली फजा का रुख किया और गाड़ी में आने वाले दिनों पर बात करके इस नतीजे पर पहुंचे कि हालात ऐसे भी बुरे नहीं। इन तीनों की कुछ ना कुछ नौकरियां हैं जिनके बारे वो एक दूसरे से कोई सवाल न करके मुतमईन रहते हैं। सबसे नुमाया बात और हालात में बेहतरी ऐसे थी कि अब इन्हें अपनी रहायश बदलकर निस्बतन छोटी जगह लेनी थी जो सस्ती और इससे बेहतर हो, जो ग्रेगर ने उनको लेकर दी थी। और जब वो इन बातों से लुत्फ ले रही थी तभी साहेब और साहिबा को ग्रेट का ख्याल हुआ जो दिन ब दिन नुमाया होती जा रही थी और तमाम तर मुसीबतों के बाद एक पुरकशिश औरत में ढल रही थी। यकदम खामोश होकर और आंखों आंखों में एक दूसरे की बात समझकर उन्होंने तहैया कर लिया कि अब वक्त ग्रेट के लिए एक मुनासिब लड़का ढूंढने का है, जिसकी तस्दीक सफ़र के अख्ताम पर ग्रेट ने अंगड़ाई लेकर की।